ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी बेसिक्स। और न्यूज़पेपर पे जो डिबेट है, जो डिस्कशन है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे चाहिए और बीपीएससी के लिए क्या सच में न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है या ज़रूरत है भी नहीं, तो चाहे आप बीपीएससी के लिए अपीयर हो रहे हो, चाहे आप यूपीएससी के लिए अपीयर हो रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं देन यू आर इन डेंजर, है ना। आप अपनी पढ़ाई को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, पब्लिक को सर्व करने वाले कमीशन के सिलेबस और नोटिफिकेशन को जब आप देखेंगे ना, एक चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन्ड होता है कि वी नीड अ जनरली अवेयर्ड कैंडिडेट, जनरली अवेयर्ड कैंडिडेट, ठीक है। और ये जनरल अवेयरनेस कहाँ से आएगा? देखिए, हम सिलेबस और PYQ के हिसाब से पढ़ते हैं, बहुत लोग तो ये भी नहीं करते हैं, लेकिन अगर इसके हिसाब से हम पढ़ते हैं तो हमारा स्टैटिक पोर्शन जो है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो साइंस हो, ये सब कवर होता है, स्टैटिक पोर्शन सब इससे कवर हो जाता है। बट जो डे टू डे लाइफ में चल रहा है, जो देश दुनिया में नेशनल इंटरनेशनल एरिना में जो चीज़ें हो रही है, जो इकोनॉमी में डे टू डे हो रहा है, वो हमें कहाँ से पता चलता है? तो वो हमें पता चलता है न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये बात आप लोग को क्लियर हो जानी चाहिए, और ये पिछले पार्ट में भी मैंने बोला था कि न्यूज़पेपर के बिना आप तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई करता है तो दोज पीपल आर वेरी एक्सेप्शनल, ठीक है, दे हैव एक्सेप्शनल एबिलिटी कि कम पढ़ के, बहुत कम पढ़ के रह सकते हैं, जैसे बहुत कम खा के, आधा रोटी खा के भी लोग जिंदा रहते हैं। बट अगर नॉर्मल इंसान को जिंदा रहना है तो एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ कैलोरी इनटेक लेना ही पड़ता है। तो सेम गोज फॉर द प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, इससे तो आप छुटकारा नहीं पा सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि आपका पर्सनैलिटी ना इवॉल्व होगा, आपका पर्सनैलिटी ब्रॉडन होगा, आपका जो नॉलेज है वो ब्रॉडन होगा, ठीक है। आप चीज़ों को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। फ्री राशन है तो एक इसमें जो पॉलिटिकल पार्टी अभी पार्टी पावर में है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, तो इनका एक पर्सपेक्टिव है, अपोजिशन का इस पर एक पर्सपेक्टिव होगा। अगर ये केस वेस हो गया, कुछ हो गया, तो इलेक्शन कमीशन का इस पर एक पर्सपेक्टिव आएगा कि भाई ये अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि नहीं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है कि नहीं करता है, ठीक है। सोशलिस्ट से बात कीजिएगा, सोशोलॉजिस्ट से बात कीजिएगा, तो उनका एक अलग पर्सपेक्टिव होगा इस पर कि फ्री राशन क्यों मिलना चाहिए। बहुत लोग को लगता है कि मुफ्त में मिल रहा है तो जनता मुफ्त खोर हो गई है, ठीक है, तो वो आइडिया क्यों गलत है, वो चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएगी। तो एक ही टॉपिक पे इतना अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलता है, और जो मेंस में हम आंसर लिखते हैं ना, वो इन्हीं मल्टी डायमेंशंस पे, इन्हीं अलग अलग पर्सपेक्टिव पे लिखना होता है। एंड दैट्स वाई न्यूज़पेपर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट गिव्स यू अ डेली प्रैक्टिस, रोज आपका प्रैक्टिस होता है कि अलग डायमेंशंस में, मल्टी डायमेंशंस में चीज़ों को कैसे सोचा जाता है, है ना, अपने बायसनेस को, अपने प्रिजुडाइसेस को कैसे कम किया जाता है, ठीक है। तो ये बात है। अब एक बात होता है कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ेंगे, तो देखिए, आप अपने सिलेबस को एकदम सामने चिपका लीजिए, PYQ को बार बार देखिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या, आपका दायरा क्या है, ठीक है। जैसे विराट कोहली या रविंद्र जडेजा क्रिकेटर हैं, विराट कोहली को अपना दायरा पता है, ठीक है, तो ये अपने दायरे में खेलते हैं कि भाई मिडिल ऑर्डर को मुझे एकदम स्ट्रांग करके रखना है, तो इनका अपना दायरा है। ओपनिंग का जिम्मेदारी नहीं है, और एकदम लास्ट का जिम्मेदारी नहीं है, बॉलिंग की जिम्मेदारी नहीं है। इनका सिलेबस क्या है कि तुमको बैटिंग करना है। इनका PYQ क्या है कि भाई मैच साउथ अफ्रीका से है तो कैसे खेलना है, उसका बॉलर कैसे बॉल फेंकता है, यॉर्कर कब फेंकता है, फुल लेंथ बॉल कब फेंकता है, अलग अलग तरह का बॉल कब फेंकता है। दूसरे टीम से होगा तो वो भी एक PYQ का काम करेगा, ठीक है। बट इनका सिलेबस क्या है, इनका सिलेबस इनको डिफाइन कर दिया गया है कि आपको बैटिंग करना है, आपको इतने नंबर पर बैटिंग करना है, आपको टीम को जिताना है, ये इनका सिलेबस है, ठीक है। तो उसी तरह से आपका एग्ज़ाम का सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए, PYQ क्लियर होना चाहिए, और जब वो क्लियर होगा तो आप आसानी से आर्टिकल्स पिक कर पाएंगे कि आपके काम का क्या इसमें आर्टिकल है। जैसे ये आर्टिकल है तो क्यों इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना, वो आपको जब आप सिलेबस अपना देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाई इंडिया, आप जब पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें प्रीएम्बल पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रीएम्बल पढ़ना है, और प्रीएम्बल में ही सोशलिज्म, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को इनकलकेट किया गया है, ठीक है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा।
ठीक है, डीपीएसपी है हमें पढ़ना। तो ये जो सोशलिज्म है, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो डीपीएसपी है, यही डिराइव करता है, ये स्टेट को डिक्टेट करता है, स्टेट को गाइडेंस देता है कि भाई आपको पब्लिक के लिए काम करना होगा, अगर पब्लिक भूखी है तो उसको फ्री में राशन देना होगा, सब्सिडाइज्ड प्राइस पे आपको राशन प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। तो ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर विराट कोहली का न्यूज़ पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है कि भाई 49 सेंचुरी इन्होंने लगाया है, तो जो परसीवरेंस है इनके अंदर, जो डेडिकेशन है, जो हार्ड वर्क इन्होंने किया है, जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, वो काबिले तारीफ़ है। तो काबिले तारीफ़ सिर्फ बैठ के करने के लिए नहीं है, काबिले तारीफ़ है कि जब आप ऐसे लिखेंगे ना तो उसमें इन स्टोरीज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक बात है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। तो हम इस न्यूज़पेपर को अभी हम लोग डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो, और देखते हैं कि कैसे इसमें से आर्टिकल्स को पिक करना है। तो जो हमारा पहला आर्टिकल है वो यही है, फ्री राशन फॉर 5 more years, कांट लेट पीपल स्लीप हंग्री, नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, स्कीम हैज बेनिफिटेड 80 crore पीपल। ये डेटा है, देखिए जब भी आपको डेटा देना है कि वेलफेयर स्टेट के बारे में डेटा देना है या इस तरह का कोई भी चीज़, तो भाई 80 crore लोगों को सब्सिडाइज रेट पे और इवन के फ्री में फूड जब मिल रहा है तो हम हंगर से लड़ रहे हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हंगर फ्री वर्ल्ड जो आता है तो उसमें इंडिया को भी हंगर फ्री हंगरी भूख से मुक्त होना है, तो उसके लिए ये कितना बढ़िया इनिशिएटिव है, तो इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। सरकार अपने तरफ से डीपीएसपी को इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या स्टेप लेती है, डीपीएसपी का मेंस में सवाल आता है तो वहाँ पे बता सकते हैं इसको। इसके अलावा प्रीलिम्स में भी इस पर सवाल बनता है। तो देखिए 80 crore पीपल हैव बेनिफिटेड फ्रॉम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है। कब आया था, कोविड के बाद आया था, कोविड के टाइम पर आया था, क्योंकि लोगों को ठीक है। अब क्या है कि ये जो स्कीम है ना वो दिसंबर में खत्म होने वाला था, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया स्कीम था, पार्लियामेंट का बनाया हुआ स्कीम नहीं था कि पार्लियामेंट ने लॉ बना के इसको पास किया हो कि अब इसको पार्लियामेंट ही डील करेगी। सरकार का बनाया हुआ स्कीम था, एडहॉक स्कीम था कि भाई लोग भूखे मर रहे हैं तो उनको खाना पहुंचाना है। तो ये स्कीम दिसंबर में खत्म हो रही थी और दिसंबर के बाद इसको फिर बोल दिया गया है कि 5 साल के लिए इस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा। तो ऑब्वियस सा बात है कि इलेक्टोरल कंपल्सन भी होता है कि अभी चुनाव आने वाला है, अगले साल जनरल इलेक्शन होने वाला है, तो उसका भी इम्पैक्ट है। बट एट द एंड ऑफ द डे गरीब जनता को, जो बीपीएल पीपल हैं, जो अंत्योदय हैं, है ना, जो एकदम से गरीब है, जिनको खाने के लिए, जिनके पास खेत नहीं है, लैंडलेस पुअर है, फार्मर है, अर्बन पुअर है ना, जो फुटपाथ पे सोते हैं, तो उनको उनको इस चीज़ से बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे एक देखिए, नीति आयोग ने जो वाटर रिलेटेड रिपोर्ट, जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स आता है, उसको डिसकंटिन्यू करने के बारे में इस पर चर्चा की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो इसका पहले हम आगे डिटेल देखते हैं, फिर यहाँ पे वापस लौट के आएंगे, ठीक है। ये देखिए, फ्री राशन फॉर 5 more years, कांट लेट पीपल स्लीप हंग्री, नरेंद्र मोदी, ठीक है। क्या है एफर्ट ड्यूरिंग COVID-19 पैंडेमिक, तो COVID-19 के समय सरकार के तरफ से क्या एफर्ट लिया गया, तो उसका एग्जांपल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या पीएम किसान योजना को भी आप दे सकते हैं एग्जांपल में कि भाई सरकार अपने तरफ से क्या वेलफेयर स्टेप्स लेती है, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम वॉज एंड दिस दिसंबर, लेकिन और ये लॉन्च कब किया गया था, तो अप्रैल 2020 में। क्या था भाई, तो 5 kg ऑफ फ्री फूड ग्रेन वॉज प्रोवाइडेड टू एवरी पर्सन ऑन टॉप ऑफ देयर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एंटाइटलमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स एट सब्सिडाइज रेट। तो ये देखिए पार्लियामेंट एक्ट पास किया था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, यानी फूड सिक्योरिटी हमें मिलना चाहिए और उसके लिए सरकार ने एक्ट पास किया, कहाँ पे, पार्लियामेंट में, ठीक है। पार्लियामेंट में एक्ट पास किया सरकार ने और उसका NFSA बना। इसमें क्या था, इसमें आगे हम लोग डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैटेगराइज किया जाता है और फ्री में और सब्सिडाइज रेट पे फूड मिलता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इससे काम नहीं चल रहा था, कोविड आया, ये तो नॉर्मल कंडीशन में था, ये नॉर्मल कंडीशन में ऐसा NFSA चल रहा था, लेकिन जब कोविड आया तो भाई जब पैंडेमिक आ गया है तो एक्स्ट्रा व्यवस्था करना पड़ेगा, तो वही 5 kg फ्री एक्स्ट्रा और अलग से व्यवस्था किया गया, ठीक है। तो ये था इसका लब्बो लू, आप इस आर्टिकल से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा था, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल है जो उनके भाषण से निकला, नरेंद्र मोदी के जो जहाँ पे भी वो स्पीच दे रहे थे कि जनजातीय दिवस मनाया जाता है, तो देख लीजिए यहाँ पे बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, रानी दुर्गावती जबलपुर में, तो उनके लिए मेमोरियल बनाया जा रहा है, भोपाल रेलवे स्टेशन आफ्टर गोंड ट्राइबल क्वीन रानी कमलापति, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है। अब इसको क्या है कि इसको आप एक दो बार पढ़ेंगे, इस पे बार बार न्यूज़ में आएगा 2-3 बार, तो आपके दिमाग में इम्प्रिंट होगा, ठीक है। और यही सब
प्रीलिम्स में अगर आ जाता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है कि इसको रटना पड़ता है बहुत ज़्यादा। तो यहीं से ये जो न्यूज़ बनते हैं और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, वो यहाँ से आता है कि ये चीज़ अगर न्यूज़ में है तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ये चीज़ न्यूज़ में है तो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से फिल्टर आउट किया जाता है चीज़ों को, ठीक है। हाँ, ये देखिए, अब ये जो 5 साल के लिए एक्सटेंड किया गया है, तो जो अपोजिशन है उसका वो एलिगेशन लगाया कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, इलेक्शन कमीशन में जाके कंप्लेन किया गया। क्यों? क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है और चुनाव के टाइम पे इस चीज़ को वो किया गया है, मतलब अनाउंस किया गया कि 5 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इस पर डिबेट डिस्कशन चलेगा, तो मेन वाला बड़ा आर्टिकल आएगा, तो आगे जब 1-2 आर्टिकल आएगा उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, हंगर इंडेक्स में हमारा परफॉर्मेंस खराब था तो वो परफॉर्मेंस भी ठीक होगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए अब नीति आयोग वाले पे आ जाते हैं। नीति आयोग वेज डिसकंटिन्यूइंग की बार्टर रिपोर्ट लॉन्च 5 years ago, ठीक है। तो उसको डिसकंटिन्यू करने का बात हो रहा है, क्यों क्यों डिसकंटिन्यू करेंगे? तो ऑब्वियस सा बात है, पहले तो ये देखेंगे कि आया क्यों, उसका डिसकंटिन्यू करने का क्यों बात कर रहे हैं। डिसकंटिन्यू करने का बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डाटा को लेकर डिस्क्रिपेंसी है। जब कुछ ना समझ में आए ना, तो मान लीजिए कि डाटा को लेकर कोई दिक्कत हो रहा है, डाटा से नहीं होगा तो फिर कोऑर्डिनेशन को लेकर दिक्कत होगा कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन को लेकर प्रॉब्लम होगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है, या इससे बहुत अच्छा पिक्चर नहीं निकल के आ रहा होगा, खैर ठीक है। लेटेस्ट एडिशन इज वाटर स्कार्सिटी अ नेशनल प्रॉब्लम, वाटर स्कार्सिटी इज अ नेशनल प्रॉब्लम। तो कभी ये मत सोचिए कि इंडिया में बहुत नदी है, बहुत बारिश होता है मानसून के समय, तो इंडिया में पानी का दिक्कत नहीं है। इंडिया इज अ वाटर स्कार्स कंट्री, और वाटर स्कार्सिटी जो है वो नेशनल प्रॉब्लम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का सिर्फ विदर्भा एरिया में प्रॉब्लम है, या गुजरात का कच्छ एरिया में प्रॉब्लम होगा, या बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेटू के पास प्रॉब्लम होगा, ठीक है। पैन इंडिया नेशनल प्रॉब्लम होने वाला है, पंजाब में, हरियाणा में, विदर्भा में, सौराष्ट्र में, कच्छ में, बिहार के बहुत सारे रीजन में, गया में, और नीचे साउथ बिहार का बहुत सारा एरिया में, बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेटू में है। साउथ इंडिया में वाटर का प्रॉब्लम है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट देखते हैं कि केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में चलते रहता है, ठीक है। तो ये इशू है कि भाई वाटर स्कार्सिटी जो है वो नेशनल प्रॉब्लम बनते जा रहा है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स निकालता था, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ डाटा इनएडुकेसी, ठीक है। यही डाटा का प्रॉब्लम है कि स्कार्स रिसोर्स वाटर तो है, अब इसका इफिशियंट मैनेजमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो स्कार्स रिसोर्स होता है उसका इफिशियंट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, और वाटर जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो अब डाटा चूंकि फुल्ली एडिक्वेट है नहीं, तो नीति आयोग का कहना है कि फिर इंडेक्स कैसे बनाया जा सकता है, तो ये वाला इशू है। लेकिन इस आर्टिकल के माध्यम से देखिए अभी आगे हम लोग क्या क्या इसमें देखेंगे। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, फर्स्ट एडिशन लॉन्च कब किया गया था? 5 साल पहले 2018 में किया गया था। क्यों? टू ब्रॉट इंडियाज वाटर चैलेंज इन टू स्पॉटलाइट, ठीक है। कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स ये शुरू किया गया, और इससे इंडिया का जो वाटर चैलेंज है उसको स्पॉटलाइट में लाया गया, ठीक है। रिपोर्ट पब्लिश बाय नीति आयोग, अब पूछेगा CWMI कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स कौन रिपोर्ट पब्लिश करता था? तो नीति आयोग पब्लिश करता है। वाज प्रिपेयर्ड इन एसोसिएशन विद 3 मिनिस्ट्री से, कौन? वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्ट्री और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। इन मे दिस ईयर द नीति आयोग रोड टू द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति सीकिंग द गवर्नमेंट्स पर्सपेक्टिव ऑन द यूज एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इंडेक्स एंड वेदर द CWMI शुड कंटिन्यू, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो ओवरआर्किंग मिनिस्ट्री है, जो सारा वाटर रिलेटेड मिनिस्ट्री को देखता है, तो उसको चिट्ठी लिखा गया, पूछा गया, ठीक है। अब ये पूरा जो आप लबल हुआ है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई डेटा जो है ना ग्राउंड लेवल से कलेक्शन में बहुत प्रॉब्लम है, और डेटा सही तरीके से कलेक्ट नहीं हो रहा, तो ट्रू पिक्चर नहीं आ पा रहा है, ठीक है। बट हमारे काम का क्या चीज़ है कि एक तो कि वाटर स्कार्सिटी नेशनल प्रॉब्लम है, ठीक है। द एवरेज एनुअल पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस टू 1486 क्यूबिक मीटर्स पर पर्सन पर ईयर बाय 2021 फ्रॉम 1545, ठीक है। तो 1545 से 1486 क्यूबिक मीटर, देख रहे पर पर्सन, 1486 क्यूबिक मीटर पर पर्सन आपको पर ईयर वाटर अवेलेबल होगा, कम होते जा रहा है, ठीक है। पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो ये है, और ये वाटर स्कार्सिटी को डिपिक्ट करता है, ठीक है।
एज पर द एनुअल वाटर अवेलेबिलिटी नॉर्म, ठीक है कि एनुअली कितना वाटर अवेलेबल होना चाहिए पर पर्सन, द अवेलेबिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर इज वाटर शॉर्टेज कंडीशन. 1700 से कम है तो वाटर शॉर्टेज के कंडीशन में आप हैं, ठीक है, और 1000 से कम है तो स्कार्सिटी के कंडीशन में है, ठीक है. तो अभी हमारे पास लगभग 1400 से 1500 अवेलेबल है, ठीक है. तो 1700 से कम है यानी वाटर शॉर्टेज तो हम हैं, और बहुत तेजी से हम लोग वाटर स्कार्स यानी 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर से भी कम के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, और इसलिए इंडिया के लिए जो है नेशनल प्रॉब्लम वाटर स्कार्सिटी लेके आने वाला है, ठीक है. अब यहाँ देखिए वाटर में परफॉर्मेंस किसका अच्छा रहा, तो गुजरात का अच्छा रहा, राजस्थान का अच्छा रहा, आंध्र प्रदेश का अच्छा रहा, मध्य प्रदेश का अच्छा रहा, ठीक है. गोवा अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, पंजाब का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, वाटर मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह ये सब जो है वो मतलब अच्छे से नहीं हो पाया है, और इसलिए इनका रैंकिंग कम हुआ है. तो इनका अगर आपको एग्जांपल देना हो कि वाटर हार्वेस्टिंग में कौन अच्छा काम किया, तो गुजरात राजस्थान का एग्जांपल आप दे सकते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या है, हाँ बाकी तो ये जो खत्म हुआ तो उसके रीजन को लिख रहा है यहाँ पे. कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट वाज मेन टू फॉस्टर क्या, अ कल्चर ऑफ एविडेंस एंड डेटा बैक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग, ठीक है. तो पॉलिसी डिसीजन मेकिंग जो है वो डेटा बेस्ड होना चाहिए, रियल टाइम डेटा पे बेस्ड होना चाहिए. उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल CWMI रिपोर्ट है, ठीक है. और ये क्या कर रहा था, चूंकि इंडेक्स और रैंक निकालता है, ठीक है, तो कौन टॉप पे है कौन नीचे है, तो एक तरह से कॉम्पिटिशन क्रिएट करता है, ठीक है. कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है. जब आपको कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जाम्पल देना है ना, कि कॉम्पीट भी करना है कि कौन टॉप कर रहा है, और कोऑपरेट भी करना है कि अपना जो बेस्ट प्रैक्टिस है उसको शेयर करते हैं. राजस्थान अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो अपना प्रैक्टिस जो है गोवा पंजाब को देगा और गोवा पंजाब भी आगे बढ़ेगा. तो ये कोऑपरेशन हुआ, और कंपटीशन क्या हुआ कि एक दूसरे से आगे बढ़ना है और बेहतर परफॉर्म करना है. तो ये CWMI रिपोर्ट जो है डेटा बेस्ड पॉलिसी डिसीजन मेकिंग कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से डाला जा सकता है. यहाँ पे देखिए एक और टर्म है टिपिंग पॉइंट, ठीक है. यूनाइटेड नेशन का जो है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी जो है, हैव वॉर्न्ड दैट इंडिया इज क्लोज टू रीचिंग इट्स ग्राउंड वाटर रिस्क टिपिंग पॉइंट. टिपिंग पॉइंट क्या होता है, टिपिंग पॉइंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉइंट जिसके बाद फिर आप वापस लौट नहीं सके. पहाड़ पे आप मान लीजिए इधर से चढ़ते गए ये टिपिंग पॉइंट है. यहाँ से अगर आप नीचे लुढ़के तो फिर आप लुढ़क जाइएगा नीचे, पूरा वापस नहीं इधर आ पाइएगा, लुढ़क जाइएगा नीचे. तो टिपिंग पॉइंट का वही मतलब हुआ कि अगर ग्लोबल टेम्परेचर मान लीजिए 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, तो एनवायरनमेंट में जो चेंज होगा ना वो टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गया है, ठीक है. थोड़ा बढ़ रहा था कि 0.5 डिग्री सेल्सियस, 0.4 डिग्री सेल्सियस, तो फिर भी मैनेजेबल था कि वापस मैनेज कर सकते हैं आके. लेकिन अगर आप 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए तो इसके बाद तो नीचे गिरना तय है, ठीक है, फिर इधर वापस नहीं आ सकते हैं. तो दैट इज टिपिंग पॉइंट. तो वाटर स्कार्सिटी अपने टिपिंग पॉइंट की तरफ बढ़ रहा है इंडिया में, ऐसा यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का कहना है. और टिपिंग पॉइंट का मतलब होता है कि बियॉन्ड विच अब्रप्ट एंड ऑफन इररिवर्सिबल चेंज होकर, इररिवर्सिबल उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं, और अब्रप्ट होगा, फॉरेस्ट फायर होगा अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो, अचानक से जंगल में आग लग जाएगा, अचानक से कोई पैंडेमिक हो जाएगा, जैसे कोविड हुआ तो उस तरह से हीट रिलेटेड कोई पैंडेमिक हो जाएगा, फसल बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, लोकस्ट अटैक होगा, तो बहुत सारा अब्रप्ट चीज हो सकता है और इररिवर्सिबल डैमेज होगा, और इररिवर्सिबल डैमेज होगा तो ह्यूमैनिटी को नुकसान होगा, ठीक है. तो अब ये देखिए इस आर्टिकल के माध्यम से कितना सारा सब्जेक्टिव चीज़ हम लोग सीख लिए. अब ये चीज़ बार बार रिपीटेडली जब 4-5 बार आप पढ़ेंगे, 4-5 बार न्यूज़पेपर में रिपीट होगा ना, तो ये कॉन्सेप्ट एक पर्सपेक्टिव आपको डेवलप होता जाएगा, और 4-5 महीने के न्यूज़पेपर रीडिंग से ना आप एक इवॉल्व्ड पर्सन बनना शुरू हो जाएंगे, आपका इवोल्यूशन होना शुरू हो जाएगा, और आप फिर आपके अंदर मैच्योरिटी आना शुरू हो जाएगा, और वो चीज़ झलकेगा आपके बातचीत में, आपके पर्सनैलिटी में, और आपके जो भी आप आंसर लिखेंगे मेंस के लिए उसमें, ठीक है. तो ये चीज़ है. तो चलिए ये दोनों आर्टिकल, इसके अलावा बाकी सब आर्टिकल पढ़ने का इसमें ज़्यादा जरूरत नहीं है. नेपाल में अर्थक्वेक आया था तो अर्थक्वेक के बारे में आप पढ़ सकते हैं, हालांकि अर्थक्वेक के बारे में बहुत अच्छा से नहीं दिया है. तो जब कभी अर्थक्वेक एक्सप्लेन वाले पेज में आएगा इसी का इंडियन एक्सप्रेस में, तो उसमें पढ़ लेना है, ठीक है. यहाँ तो वो कमेंट्री है कि क्या हुआ, कितने लोग घायल हुआ और कितने लोगों के साथ क्या दिक्कत हुआ. बाकी अर्थक्वेक क्यों आता है, नेपाल में क्यों बार बार आता है, उसका इंपैक्ट इंडिया में कैसे पड़ता है, तो वो कभी ना कभी एक्सप्लेन पेज में आएगा, तो वहाँ पर वो आपका कवर हो जाएगा. और ज्योग्राफी के NCERT में तो आप इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे. जैसे AQI है, तो जो कल का मैंने बनाया था न्यूज़पेपर का आर्टिकल का जो वीडियो बनाया था जिसमें कि साउंड का इशू था और अपलोड करने का तो उसको डिलीट करना पड़ा, तो उसमें अच्छे से कवर किया गया था, ठीक है. अब देखिए आज यहाँ पे AQI बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं कवर किया गया, लेकिन कल वाले में बहुत अच्छे से कवर किया गया था, सॉरी 4 तारीख वाले अखबार में, नहीं सैटरडे वाले अखबार में, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए
बायोमास बर्निंग जो है ना वो 20% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। दिल्ली ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है, तो दिल्ली क्या है, अगर यहाँ पर दिल्ली को आप मान, यहाँ देखिए, ठीक है, ये गुजरात नीचे हो गया, यहाँ पे दिल्ली है, ये अरावली हिल्स है इधर, ठीक है, इधर पूरा हिमालय है, ठीक है, मालवा प्लेटू भी इधर नीचे में आता है, ठीक है, और इधर पे डेक्कन प्लेटू शुरू होता है। तो दिल्ली जो है ना ज्योग्राफिकली पैक्ड है, लैंड लॉक्ड है, ठीक है। तो लैंड लॉक्ड होने के वजह से भी यहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। अगर पंजाब में कोई आग लगाया तो वो भी दिल्ली में जाएगा, हरियाणा में आग लग रहा है, सॉरी हरियाणा नीचे पंजाब यहाँ पे, तो वहाँ वो भी यहाँ पे पहुँच रहा है। वेस्टर्न यूपी में आग लगा दिया, पराली जला दिया, तो वो भी यहाँ पे आ रहा है। अगर ठंडा का मौसम आ गया तो हवा ठीक से नहीं बह रहा है, तो सारा पॉल्यूशन यहीं पर ट्रैप्ड हो जाता है और दिल्ली गैस चैम्बर बन जाता है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मुंबई के साथ नहीं है। अगर आप मुंबई को देखें तो यहाँ पर मुंबई है, तो ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया होने की वजह से क्या होता है कि सी ब्रिज बहता है, सी से लैंड पे हवा जाता है और हवा से सी के तरफ, लैंड से सी के तरफ जाता है। तो इस विंड के वजह से जो है यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं हो पाता है। लेकिन रिसेंट ट्रेंड क्या है कि मुंबई में भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ है। तो पॉल्यूशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही भयावह जो है वो स्थिति लेके आया है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन अकेले जो है ना 20 लाख लोग को हर साल इंडिया में मारता है। 20 लाख्स, नियरली 20 लाख्स डेथ्स आर अलोन ड्यू टू पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। 20 लाख लोग, बताइए, मतलब इससे बड़ा आतंकवादी क्या हो सकता है। हवा में जो प्रदूषण है उससे ज़्यादा बड़ा आतंकवादी कुछ नहीं हो सकता, इससे बड़ा आतंकवाद नहीं हो सकता है, ठीक है। अकेले दिल्ली में, दिल्ली का पर पर्सन जो है ना एयर पॉल्यूशन की वजह से अपना 12 साल उम्र खो दिया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 12 साल कम हो गया, और ओवरऑल इंडिया में 5 साल कम हो रहा है। मतलब हमारे आपके जीवन से 5 साल निकल गया है, क्यों? ड्यू टू एयर पॉल्यूशन। कौन सा आतंकवादी आपका 5 साल ले लेगा, कौन सा हमास 12 साल ले लेगा। बट पॉल्यूशन जो है वो हमारे पॉलिटिकल कैंपेन में, पॉलिटिकल पैरालांस में, डे टू डे डिस्कशन में है ही नहीं कि पॉल्यूशन से लड़ना है, ठीक है। हमें आपस में लड़ना है, हिंदू मुस्लिम धर्म समाज जाति उस पर लड़ना है, ठीक है। पॉल्यूशन के लिए नहीं लड़ना है, क्योंकि पॉल्यूशन से लड़ के क्या कर लेंगे, जाति पर लड़ेंगे तो वोट मिलेगा, हमारी जाति वाला नेता बन जाएगा, खैर, ठीक है। तो टेम्परेचर, काम विंड, फार्म फायर, ये सब इसका रीजन दिया गया है, ठीक है। ट्रैपिंग पॉल्यूटेंट्स, तो ये सब आर्टिकल जब आप थोड़ा सा पढ़ते हैं ना, तो आपको डे टू डे डेली आपको आइडिया बैठता जाएगा। PM 2.5 आप समझ जाइएगा, PM 10 समझ जाइएगा। UPSC में क्वेश्चन आया था कि दोनों में से कौन जो है वो फिर हमारे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में पहुंच सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो न्यूज़पेपर में ही आता, और पढ़ते पढ़ते ये सब चीज़ आपको समझ में आती है कि अच्छा ऐसा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए दिया है कि आइडियल विंड पॉल्यूशन को डिस्पर्स करने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो जिस भी एरिया में 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कम से हवा बहेगी तो वहाँ पे क्या है ना कि धूल कण जो है वो एक जगह जमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वही 10 किलोमीटर या उससे ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा एरिया में फैल जाएगा, दिल्ली वाला जो है वो यूपी में चला जाएगा, बड़ा एरिया में फैलेगा तो पॉल्यूशन कम महसूस होगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन ट्रैप हो जाता तो पॉल्यूशन हो जाता है। तो ये विंड स्पीड वाला हम लोग समझ गए कि आइडियल विंड स्पीड 10 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। अब 4 बार इसको जब आप पढ़ लेंगे तो याद रह जाएगा और प्रीलिम्स में ही पूछ दिया जाएगा आपसे। तो आपको लगा कर यार इतना डिटेल में घुस के पूछा है। ये देखिए आर्ट एंड कल्चर का यहां पे है कि बलबन, बलबन के बारे में आपने पढ़ा होगा, रटा होगा, ठीक है, कि स्लेव डायनेस्टी का था बलबन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि इसका मकबरा जो है वो दिल्ली के एलजी ने इनॉग्रेट किया है, उसको अनवील किया है, तो उस पर आया आर्टिकल कि 13th सेंचुरी में, यानी कि 1200 से लेके 1300 ईयर में बनाया गया था इसको। नाउ रेनोवेटेड फ्रॉम द रुइंस, खराब हो गया था उसको रेनोवेट किया गया, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर में ये एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई हमें अपने आर्ट को, अपने हेरिटेज को बचा के रखना, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी भी है और DPSP भी है और कॉमन जिम्मेदारी भी, कॉमन सेंस भी है। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड कल्चर को बचा के रखेंगे तो हमारा जो पुराना स्टोरी है वो जिंदा रहेगा, कहानियाँ जो है हमारी वो जिंदा रहेंगी। उसके अलावा क्या है, टूरिज्म होगा, ठीक है, टूरिज्म होगा तो उससे क्या होगा, रुपया आएगा, डॉलर आएगा, पाउंड आएगा, येन आएगा, सब कुछ आएगा। टूरिज्म से क्या है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी होगा, ठीक है। जैसे अगर ये इस्लामिक को कोई रूलर है, उसका टॉम है, तो मिडिल ईस्ट से जब हमें डिप्लोमेसी करना है तो उसमें हम इसको सॉफ्ट डिप्लोमेसी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। तो इतना एग्जाम्पल्स में ये सब चीज़ यूज़ होता है। अब जो इनिशियल बिगनर्स होंगे तो उनको लग रहा होगा, अरे भाई इतना सारा चीज़ तो उनको पता ही नहीं है, तो कैसे पता रहेगा। ये चीज़ें धीरे धीरे आती हैं, आप 4-5 महीना रेगुलरली पढ़ेंगे, आपका स्टैटिक पढ़ाई होगा और प्लस उसके साथ न्यूज़पेपर जब आप सिंथेसाइज करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपका भी डेवलप होगा। तो इसमें घबराना नहीं है, जिसने भी इस एग्जाम में, इसकी तैयारी में टाइम दिया है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज आ ही जाता है,
ठीक है, तो उसमें घबराना बिल्कुल नहीं है, बस धीरे धीरे ग्रेजुअली चीजों को इवॉल्व करना है, चीजों को ग्रो कराना है, ठीक है। टॉम ऑफ बर्मन कहाँ है, दिल्ली के मेहरौली इलाका में है, अ स्लेव टर्न सुल्तान टॉम, ठीक है, स्लेव था बाद में सुल्तान बना। गियासुद्दीन बलबन अ सुल्तान ऑफ मामलुक डायनेस्टी, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी भी बोलते हैं, द फर्स्ट ऑफ दिल्ली सुल्तान डायनेस्टीज, रूल फ्रॉम दिल्ली बिटवीन 1266 से 1287, लगभग 21 साल इन्होंने रूल किया था। बलबन कहानी दिया कि सोल्ड एज अ स्लेव टू इल्तुतमिस, तो पूछेगा बलबन किसका स्लेव था, तो भाई इल्तुतमिस का स्लेव था, ठीक है। लेटर इल्तुतमिस जो है उसको रिलीज कर देता है, ठीक है, कि अब तुम स्लेव नहीं हो, ठीक है। Said that individuals captured as slave during that particular period then rose to become ruler. ठीक है, तो उस समय जो भी गुलाम हुआ करते थे, ठीक है, बख्तियार खिलजी का गुलाम, बख्तियार खिलजी खुद गुलाम था, ठीक है। अब यहाँ पे बलबन देख लीजिए, गियासुद्दीन तुगलक का बलबन जो है, मतलब गियासुद्दीन बलबन जो है वो इल्तुतमिस का गुलाम था, तो गुलाम सिस्टम चलता था। तो गुलाम का मतलब ये नहीं कि पानी भर के लेके आ रहा है, वो तो है ही है, लेकिन गुलाम जो है दे राइज टू द रैंक ऑफ मिलिट्री कमांडर अपने स्किल अपने एबिलिटी के हिसाब से, और इनका लॉयल्टी इनके अपने मालिक के तरफ होता था, और मालिक जब खुश होता था तो इनको आज़ाद कर देता था कि चलो तुम मेरे स्लेव नहीं हो, और तब फिर ये जाके सुल्तान बन पाते थे, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पे दिया गया। अब इससे क्या है कि थोड़ा सा हिस्ट्री आपका रिवाइज हो गया, बहुत ज्यादा खोलना नहीं पड़ा किताब, बहुत पढ़ना नहीं पड़ा, और हिस्ट्री रिवाइज हो गया। अब देखिए आर्ट एंड कल्चर कैसे आता है। टॉम जो बना हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एज इट शोज एज द फर्स्ट यूज ऑफ ट्रू आर्च। इंडिया में जो आर्च का यूज होना शुरू हुआ ना, दरवाजा देखिए हम लोग जो ऐसे बनाते हैं, और ये करके ऐसे जो बनता है ना दरवाजा का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आर्च सिस्टम, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि इस्लामिक लोग का लाया हुआ है आर्च सिस्टम, ठीक है। आर्च सिस्टम में क्या होता है कि एक की स्टोन यहाँ पे होता है और बाकी सारा स्टोन उसके इर्द गिर्द लगा होता है, और ये की स्टोन के वजह से ही पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। अगर इसको निकाल दीजिए तो बाकी सब भरभरा के नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ट्रू आर्च का यूज कहाँ से शुरू होना हुआ, तो गियासुद्दीन बलबन के मकबरे से देखिए यूज होना शुरू हुआ है। यहाँ पे जो ये दरवाजा बना हुआ है ना, यहाँ पे ये पेपर में फोटो कटा हुआ है, ये ट्रू आर्च ऐसे बना होगा, ठीक है। या अगर जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको गूगल में ही इसको दिखा देता हूँ करके खोल के। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा आर्च है यहां से, ये अगर आप देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकंड इसको, ठीक है, ये देखिए, ये पूरा आर्च है और यहाँ बीच में ये की स्टोन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है ना, ये दरवाजा बनाने का सिस्टम, ये इस्लामिक ट्रेडिशन का पार्ट है। तो जब भी इस्लामिक आर्ट के बारे में कभी लिखना है तो ये लिख सकते हैं। बाद में इसको इंडिया में यूज़ किया गया, फ्यूज़न हुआ और फिर और ट्राबिट आर्कवेड स्टाइल और बाकी बहुत तरह का स्टाइल डेवलप हुआ, ठीक है। तो वो यही मेरा कहना है कि धीरे धीरे चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ा भूल जाइएगा, दोबारा कभी ये चीज़ आएगा फिर थोड़ा याद रह जाएगा, फिर जब आप स्टैटिक किताब पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चीज़ें आपके दिमाग में ना धीरे धीरे रहना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ट्रू आर्च हो गया ये। उसके बाद गियासुद्दीन बलबन मोस्ट पावरफुल स्लेव सुल्तान आफ्टर इल्तुतमिस, इल्तुतमिस के बाद जो है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल स्लेव सुल्तान था, ठीक है। और इसने ये जो एरिया बनाया था ना, दर उल अमन यानी हेवन ऑफ सेफ्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हेवन ऑफ सेफ्टी में क्या था ना कि इस समय कोई भी, जैसे कोई कर्जदार है तो अगर उसका कर्जा देने वाला उसको तंग कर रहा है, तो वो अगर भाग के यहाँ पे आ जाए ना तो वो फिर सुल्तान के एरिया में आ गया भाई, अब उसको कोई तंग नहीं करेगा। इवन कोई मर्डर किया ना, वो भी यहाँ पे आ गया तो उसको कोई नहीं मारेगा। तो इसलिए इसको हेवन ऑफ सेफ्टी भी बोलते थे, ठीक है। कुतुब कॉम्प्लेक्स, जहाँ कुतुब मीनार है, है ना, अलाई दरवाजा है, तो उसको अगर आप देखेंगे तो उसका जो आर्च है उसको कॉर्बेल्ट आर्च बोलते हैं, ठीक है, वो ट्रू आर्च नहीं है, ठीक है। द ट्रू आर्चेज ऑफ बलबन टॉम हैव द की स्टोन प्लेस्ड एट द सेंटर विच इवनली डिस्ट्रीब्यूट्स द वेट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, यही मतलब यहाँ बीच में की स्टोन है तो बाकी वेट इधर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस स्टोन को निकाल दीजिएगा तो बाकी पूरा स्टोन जो है वो भरभरा कर गिर जाएगा। तो यही है ट्रू आर्च का सिस्टम पूरा। तो ये जब कभी आप घूमने जाएंगे और इस्लामिक बिल्डिंग्स देखेंगे ना, तो उसमें ये सिस्टम आपको मिलेगा यूज किया हुआ। इवन के बिना ब्रिक और बिना मोर्टार का, सिर्फ पत्थर खोज के, कोई सीमेंट नहीं लगता है, सिर्फ पत्थर खोज के और बीच में की स्टोन ऐसे लगा दिया, घुसा दिया, ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा रहता है, ठीक है। अब देखिए यहां पे
इब्ने बतूता ने भी इसके बारे में मेंशन किया था दारुलमान, वही हेवन ऑफ सेफ्टी वाले के लिए, कि सर्व एज ए सैंक्चुअरी फॉर डेप्टर्स, फ्यूजिटिव्स, रिफ्यूजी फ्रॉम डेप्ट कलेक्टर, इवन दोज हु हैव कमिटेड मर्डर कुड फाइंड सोलेस विद इन इट्स वॉल। ठीक है, तो इब्ने बतूता, अब इब्ने बतूता के बारे में आप पढ़ेंगे किताब में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और यूपीएससी, बीपीएससी और हर स्टेट पीसीएस में इब्ने बतूता के बारे में पूछा जाता है कि किसके टाइम पे आया था। तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, ठीक है, उसका कंटेम्प्रेरी था, उसी के टाइम पे आया था। और इब्ने बतूता को ये अपने दरबार में जो है ना काजी का भी पोजीशन देते हैं, और बाद में जेल भी भेज देते हैं, उसके बाद भी चाइना एम्बेसडर भी बन के जाते हैं। ठीक है, और इब्ने बतूता इसलिए फेमस है कि भाई मुझे तो एग्जैक्टली याद नहीं, शायद 26,000 किलोमीटर का ये इन्होंने ट्रैवल किया था, मतलब पूरे दुनिया को नाप दिया था इन्होंने कदमों से घोड़ा पे बैठ के, इतना इंथुजियास्ट ट्रैवलर थे। इसीलिए इनका जो भी लिखा हुआ किताब है उसको पढ़ के उस समय के हिस्ट्री के बारे में जाना जाता है। और इब्ने बतूता ने दारुल अमान के बारे में बोला है, तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, याद रहा तो अच्छी बात है, अगर नोट डाउन कर सकते हैं तो कहीं पर कर लीजिए, अदरवाइज मतलब इसी तरह से चीजें रिपीट होकर आते रहेंगे। ठीक है, बलवंत टॉम वाज वन ऑफ द फर्स्ट टॉम, टॉम तो इसका टूट चुका है, बस खाली वही आर्कवेट दरवाजा बचा हुआ है। और फिर ये सब थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दिया हुआ कि बलबन चूंकि बहुत क्रूएल राजा था, रूलर था, तो इसलिए उसके बारे में बहुत अच्छी बातें नहीं लिखी गई है, और इसीलिए देखिए कि वो प्रोटेक्टेड प्रिजर्व भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए मेन आर्टिकल में, तो मेन आर्टिकल पे हम लोग आएंगे, लेकिन इसके पहले हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे भी देखिए, जैसे अब ये है इसको छोड़ दिया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था तो इसको पढ़ लिया। इसके बारे में भी पिछले 4 या 3 तारीख को बहुत अच्छे से आया था, कोझिकोड को जो यूनाइटेड यूनेस्को का जो सिटी यूनेस्को लिस्ट में जो शामिल किया गया कोझिकोड को, ठीक है, पावर वर्सेस ह्यूमैनिटी, ये अच्छा आर्टिकल था, इसको पढ़ेंगे तो इससे लिखने का पर्सपेक्टिव डेवलप होगा। क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक महामारी है उसके बारे में है, तो ये भी बार बार आते रहता है, तो 2-4 बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है वो अभी हेल्थ, मतलब ये छुपा हुआ पैंडेमिक है, हिडन पैंडेमिक है, हेल्थ इशू है पूरा ग्लोबल लेवल पे, और इस पे बात ही नहीं चल रहा है, हम लोग अपने मन से एंटीबायोटिक खा रहे हैं, तो इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद ये जे साई दीपक का एक आर्टिकल है, तो ये थोड़ा पॉलिटिकली वर्बोज होता है, तो इसको मैंने छोड़ दिया, आपको मन करे तो आप पढ़ सकते हैं। ये भी रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए, अदरवाइज मुझे लगा कि भाई इसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। ठीक है, फिर यहाँ पे पोषण ट्रैकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि गवर्नमेंट कैसे चीज़ों को कैसे पॉलिसी बनाती है, जो अभी हमने नीति आयोग वाला देखा था कि रियल टाइम डेटा होना चाहिए, तो वो रियल टाइम डेटा देखिए पोषण ट्रैकर में यूज होता है। ठीक है, तो इसको भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको भी हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके पहले छोटा छोटा निपटा लेते हैं। एक्सप्रेस नेट जो अंडरलाइन किया हुआ बस यही सब आर्टिकल देखिए इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फॉलिंग फार्म एक्सपोर्ट, ये भी 3-4 दिन से न्यूज़ में ये भी आ रहा है, ऊपर वाला छोड़ दिया, पॉलिटिकली मतलब पॉलिटिकल आर्टिकल एक तरह से, ठीक है, तो उससे हमको क्या मतलब है। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये भी 2-3 दिन से चर्चा में है, तो इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, प्याज का दाम नहीं कम हो रहा, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, ये आर्टिकल एक्सप्लेन पेज का हो गया। ठीक है, इकोनॉमी पेज में जब आप आएंगे तो कोई एक्सपर्ट आदमी है, उसका इंटरव्यू आया, तो उसको पढ़ लीजिए कि इंडिया के बारे में वो क्या राय रखता है और क्या सॉल्यूशंस प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, एआई को लेकर सबमिट हुआ था लंदन में, ठीक है, तो उसको लेके एक्सप्लेन आर्टिकल आया, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। हालांकि इस पर भी आर्टिकल बार बार आते रहेगा, क्यों, क्योंकि बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ठीक है, लेकिन इस आर्टिकल से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और जब 4-5 बार इस तरह से आप कंटिन्यूअसली इस तरह के आर्टिकल को पढ़ेंगे तो एआई को लेके एक समझ भी आपको डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेके है, तो थोड़ा सा तो इसको भी पढ़ लीजिए। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इन्वेस्ट इन इंडिया ट्रस्ट है, तो इसके बारे में न्यूज है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। ठीक है, केजी बेसिन के बारे में थोड़ा सा इसको देख लिया। ठीक है, इसके अलावा पे विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर पे आर्टिकल है, इसको अगर आप पढ़ेंगे, मेरा तो मानना है कि स्पोर्ट्स में जब भी स्पोर्ट्स पेज पर ऐसा आर्टिकल है तो उसको पढ़ा कीजिए, उसको पढ़ के मोटिवेशन भी मिलता है और एस्से वगैरह लिखने के लिए आपको कहानी मिल जाती है कि कैसे आप लिख सकते हैं एस्से में कहानी। बस यही है, इतना ही पेज है, बाकी जो भी पेज था उसको मैंने डिलीट कर दिया है। तो खैर चलिए, अब यहाँ से एक्सप्रेस नेटवर्क का पहले ये पढ़ लेते हैं, है ना। महादेव ऐप पे देख रहे हैं कि बहुत चल रहा है, छत्तीसगढ़ के सीएम पे भी इल्जाम लगाया कि 500 करोड़ रुपये उनको पहुंचाया गया था, तो इसको बैन किया गया है। ठीक है, तो बेटिंग जो है ना इंडिया में लीगल भी है, इलीगल भी है, लेकिन इलीगल का क्या क्राइटेरिया है, लीगल का क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर नहीं दिया। वही हम कह रहे हैं कि इस ये फिर किसी दिन एक्सप्लेन पेज में आएगा कि क्या क्राइटेरिया है लीगल होने का और क्या क्राइटेरिया है इलीगल होने का। ठीक है, और इसको कैसे बैन किया गया है, तो आईटी एक्ट सेक्शन 69A यूज करके इसको बैन किया गया है। ठीक है, और क्या करता था महादेव ऐप, तो महादेव ऐप जो है ना अपना ऐप पे अपने प्लेटफॉर्म पे इलीगल बेटिंग करवाता था, मतलब लीगल बेटिंग के अंदर में छुप के इलीगल बेटिंग करा दिए, मतलब आपको लाइसेंस मिल गया मान लीजिए कि दवाई बनाने का कारखाना में, और वहीं पे छुप के आप ड्रग्स बना रहे हैं और ड्रग्स भी बेच रहे हैं, और फिर ईडी आपको पकड़ ले, तो वही चीज़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये है भाई नरेश गोयल, जिनका जेट एयरवेज जेट
एयरवेज कंपनी जो है उसके मतलब कि मेजोरिटी स्टेक होल्डर्स थे, जेट एयरवेज जो है उस पर मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि इन पे मनी लॉन्ड्रिंग का, राउंड ट्रिपिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी व्हाइट मनी करने का इल्जाम लगा है, जो फंड आया है उसको डाइवर्ट करने का इल्जाम लगा है और इसलिए ये ईडी के हिरासत में है। ठीक है, तो अगर आपको जैसे अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इथिक्स पेपर 4 में अगर आपको एग्जाम्पल देना है तो वहां पर आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म का एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी में आप इस एग्जाम्पल को दे सकते हैं कि कॉर्पोरेट इररेस्पॉन्सिबल इतना हो गया है, प्रॉफिट को लेके इतना ज्यादा मोटिवेटेड है कि गलत सलत काम करता है। ठीक है, तो उसमें आप ये सब एग्जांपल दे सकते हैं कि टॉप मैनेजमेंट जो है उसका ब्लेम किया है कि नरेश गोयल जो है वो फैमिली को, एक तो कि पावर बहुत ओवर सेंट्रलाइज अपने हाथ में कर लिए, फिर जो टॉप एक्सपर्ट है उसके एडवाइस को इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, अपने फैमिली को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया हुआ था इन्होंने और इसीलिए जेट एयरवेज का जो है वो फॉल हो गया। अब जेट एयरवेज फॉल हुआ तो देखिए सिर्फ इनका फॉल नहीं हुआ, इनका नुकसान नहीं हुआ, इनके पास तो पैसा फिर भी होगा, लेकिन जेट एयरवेज में जो इम्प्लॉई काम कर रहे हैं उनको दिक्कत हो गया। जेट एयरवेज की वजह से हमारी इकॉनमी को जो नुकसान हुआ वो दिक्कत है। अब इसको बचाने के लिए सरकार को पैसा इसमें डालना पड़ेगा, तो सरकार अपने बैंक से अपने खाते से पैसा निकाल के डालेगा तो वो पैसा कहीं और यूज होता, सड़क बिजली पानी बनाने में, तो वो जनता के काम आता, लेकिन वो पैसा अब जेट एयरवेज को बचाने वगैरह में जाएगा। ठीक है, जैसे एयर इंडिया के साथ केस हुआ था। ठीक है, तो वही चीज है कि इन सब चीजों को जब आप पढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे चीजें आपको इवॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए इलेक्टोरल बॉन्ड सेल होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे इतना चर्चा चल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट अभी अपना डिसीजन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो डिसीजन अभी रिजर्व रखा है। तो क्या ये यूनियन गवर्नमेंट और नवंबर 4 नोटिफाइड द नेक्स्ट राउंड ऑफ सेल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सेल जो है वो नोटिफाई कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट। और यूनियन गवर्नमेंट का कौन सा मिनिस्ट्री? फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफाई करता है। तो ये बात यहां से पता चल गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री नोटिफिकेशन। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटीशन डाला हुआ था, हियरिंग भी हुआ और जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया, मतलब अभी पब्लिक नहीं किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर क्या बोला कि भाई जो ऑथराइज्ड बैंक ब्रांचेज है स्टेट बैंक का उसी से इसको रिलीज किया जाएगा। तो ये भी आपको पता चल गया कि इलेक्टोरल बैंक जो है वो ऑथराइज्ड ब्रांचेज से होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। द बॉन्ड आर वैलिड कब तक? 15 कैलेंडर डे तक वैलिड रहेगा, मतलब लिए और उसके बाद वो कर दिया, इसके बाद अगर है तो फिर वो नहीं मिलेगा, एक्सपायरी के बाद वैलिडिटी नहीं है। तो ये थोड़ा सा छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, पढ़े समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए 5 ईयर एक्सटेंशन ऑफ फ्री राशन नंबर बिहाइंड फूड सिक्योरिटी स्कीम। तो ये फूड सिक्योरिटी का बात हो रहा है, फूड सिक्योरिटी का मतलब समझे ना, जितना भूख है उतना अनाज मिल जाना चाहिए इंडिविजुअल को, जितना देश को जरूरत है उतना देश में होना चाहिए, तो वो फूड सिक्योरिटी हुआ कि देश को अगर 100 kg अनाज का जरूरत है तो हमारे पास 200 kg अनाज जो है वो स्टोर में है, यानी कि हम फूड के हिसाब से सिक्योर है, तो इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। तो जो नया वाला नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बन रहा है, नया नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, उसमें फूड भी सिक्योरिटी में है, एनवायरमेंट का भी सिक्योरिटी इंक्लूड किया गया, ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल सब कुछ वो हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, लगभग सब्सिडी में कितना खर्च होता है? 2,00,000 करोड़ रुपया फूड सब्सिडी में खर्च होता है। फूड सब्सिडी अगर आप देखेंगे तो 2020-21 से 2023-24 तक लगातार घटते जा रहा है। ठीक है, 20-21 ये कोविड पैंडेमिक वाला टाइम था, लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च हुआ था, घटते घटते 2,00,000 करोड़ के आसपास आ गया है। तो जब भी सब्सिडी का आपको एग्जाम्पल देना हो तो फूड सब्सिडी लगभग 2,00,000 करोड़ के आसपास दिया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना था, फ्री राशन स्कीम फॉर अनदर 5 ईयर इसको एक्सटेंड किया गया, पीछे भी हमने बात किया क्या है भाई, तो फ्री में राशन मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था? कोविड के समय 2020 में 5 kg फ्री अनाज मिलेगा का NFSA के एडिशन में, NFSA में जो जिसको मिल रहा था जो भी चीज उसके अलावा 5 kg मिल रहा था। ठीक है, NFSA कब लाया गया था? पार्लियामेंट से पास कराया गया था, लॉ बनाया गया था, यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ था। इसका क्या काम था? रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन, कितने रेट पे? 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, 1 रुपया में कोर्स अनाज यानी कि मोटा अनाज, 2 रुपया में गेहूं और 3 रुपया में चावल, ऐसे मिलता था। ठीक है, कैसे मिलता था? TPDS यानी टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो गांव में टोकन कूपन से जो मिलता है ना कोटा वाला अनाज, उसी का बात हो रहा है TPDS, जिसमें कि जम के धांधली होता है। ठीक है, स्कोप ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना कवर्स 2 kinds ऑफ राशन कार्ड अंडर द NFSA। NFSA में 2 तरह का राशन कार्ड होता है, एक क्या है अंत्योदय अन्न योजना और एक क्या है प्रायोरिटी हाउस होल्ड। ठीक है, अब देखते हैं अंत्योदय अन्न योजना क्या होता है, प्रायोरिटी हाउस होल्ड क्या होता है। अंत्योदय अन्न योजना वो हाउस होल्ड को बोला जाता है, अंत्योदय सबसे गरीब है ना, सबसे अंतिम में जो खड़ा है, तो इनको क्या है ना कि 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर मंथ मिलेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फैमिली मेंबर, 2 मेंबर है कि 3 मेंबर है कि 4 मेंबर, उससे मतलब नहीं है, 35 kg पर मंथ मिलना ही मिलना है जिनके पास ये वाला राशन कार्ड है। ठीक है, और जो प्रायोरिटी हाउस होल्ड वाले हैं उनको नंबर ऑफ फैमिली मेंबर के हिसाब से
5 kg पर पर्सन मिलता है, ईच मेंबर को 5 kg पर मंथ मिलता है, ठीक है। तो प्रायोरिटी हाउसहोल्ड और अंत्योदय अन्न योजना जो है, इसमें 35 kg इरेस्पेक्टिव ऑफ फैमिली मेंबर, कितना भी रहे, 2-3-5 जितना भी, मतलब नहीं, ठीक है। और यहां क्या है, यहां है कि पर पर्सन 5 kg अनाज पर मंथ मिलेगा, ठीक है। यही डिफरेंस है दोनों में। ये किस में कवर होता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना क्या किया, वो 5 kg और इसमें पर पर्सन ऐड कर दिया, ठीक है। और इसीलिए लगभग 80 करोड़ लोग को जो है मुफ्त में या सब्सिडाइज रेट पे अनाज मिल रहा है, और जिसके वजह से उनका पेट भर रहा है, ठीक है। NFSA जो है लगभग 20 करोड़ फैमिली को कवर करता है, और अगर लगभग 4-5 आप मान लीजिए आदमी को, तो लगभग 80-100 करोड़ बेनिफिशियरी है। अगर एक परिवार में 4-5 लोग है तो 80-100 करोड़ आदमी को बेनिफिट करता है। ये 80 करोड़ बेनिफिशियरी जो है पॉपुलेशन का 2/3 है, यानी 2/3 75% पॉपुलेशन जो है वो NFSA के अंदर में कवर होता है। और इस पॉपुलेशन में 50% अर्बन वाला है और 75% रूरल है, ठीक है, गांव में ज़्यादा है, ठीक है, यही है। और इसको जो है मर्ज विद NFSA प्रोवाइडिंग ऑल राशन फॉर दोनों को, तो इसको मर्ज कर दिया गया है। तो ये था, अब ये देखिए छोटा सा आर्टिकल है, इसको पढ़ लिया कितना सारा इन्फॉर्मेशन मिला कि सब्सिडी डिक्रीज किया है पिछले कुछ साल में, ठीक है, कोविड के बाद से, कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अदरवाइज लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास हमेशा रहता है। ये स्कीम के बारे में जान गए, NFSA के बारे में जान गए, NFSA के अंदर में 2 तरह का होता है, इन दोनों के बारे में जान गए, क्या मिलता है कैसे मिलता है ये जान गए, तो हो गया काम अपना, ठीक है, ये चीज है। अब देखिए मेरी माटी मेरा देश जो पूरा कैंपेन चल रहा है, तो उसमें क्या है कि पूरे देश के सारे गांवों से 6 लाख गांवों से मिट्टी लाना है, और उस मिट्टी को दिल्ली में जो है ना कर्तव्य पथ पे एक बड़े से कलश में डाला जाएगा, ठीक है। तो वो जो बड़ा सा कलश होगा उसका डिजाइन क्या होगा, तो उसका डिजाइन जो बनाया ना वो एक उड़िया आर्टिस्ट है, लॉयर है, सूर्यांश मोहंती, ठीक है, तो एस मोहंती, तो उनके द्वारा जो डिजाइन किया गया था वो उस कलश को चूज किया गया है। क्या है, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, ऑफर द सॉइल फ्रॉम द पॉट टू अमृत कलश, कर्तव्य अमृत कलश में जो है प्रधानमंत्री जब डालेंगे तो किस कलश से डालेंगे, तो ये जो कलश होगा इनका बनाया हुआ, इनका डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। ये यात्रा क्या एम कर रहा है, टू कलेक्ट सॉइल एंड राइस फ्रॉम ओवर 6 लाख विलेजेस ओवर द कंट्री इन अ सिंगल कलश, ठीक है, एक कलश में डाला जाएगा, देश को एक तरह से यूनिफाई किया जा रहा है। ये भी ऐसे में हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना, अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल पॉलिटिकल प्रिजुडाइसेस कि आपको प्रधानमंत्री पसंद है या नहीं पसंद है, ये इनिशिएटिव पॉलिटिकल इनिशिएटिव है या क्या है, अरे आप एग्जाम में लिखेंगे इसको, ये नेशनल यूनिटी के लिए, साइकोलॉजिकल यूनिटी ऑफ नेशन, नहीं अच्छा चीज़ है कि पूरे गांव से मिट्टी और ये चावल लिया जा रहा है और एक जगह जमा किया जा रहा है, तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है, ब्रेव हार्ट मेमोरियल, देखिए महाराष्ट्र का एक आदमी है जो उसने चिट्ठी लिखा था, सदानंद भागवत, और उसी चिट्ठी पे कि भाई कि हर स्कूल में बनाया जाना चाहिए, ठीक है, और उसके तर्ज पे जो है अब हर गांव में बनाया जा रहा है, सरकार ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये देखिए कैसे नीचे से ऊपर के आप चिट्ठी लिखते हैं, सरकार को कुछ सजेशन देते हैं और सरकार उस सजेशन को मानती है, तो दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, है ना, कि पब्लिक अपना विश जो है वो रखा और वो किया गया है, ठीक है। जैसे फार्मर बिल्स आया था, फार्मर बिल आया तो किसानों ने बहुत प्रोटेस्ट किया, तो प्रोटेस्ट किया तो सरकार ने बिल को रिपील कर दिया, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी का पावर है कि पब्लिक प्रेशर डाल के सरकार से काम करा सकती है। खैर, फॉलिंग फार्म एक्सपोर्ट पे अगर आप आ जाएंगे, तो फार्म एक्सपोर्ट क्या है ना कि भैया बैन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन राइस, वीट एंड शुगर, ठीक है, तो हमारा एग्री एक्सपोर्ट डिक्लाइन होगा, और एक्सपोर्ट से जब पैसा आता है तो वो पैसा किसके पास जाएगा, ट्रेडर के पास और फार्मर के पास, लेकिन अगर एक्सपोर्ट कम होगा तो इनके पास भी पैसा कम होगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बैन लगा हुआ है, ठीक है, तो बैन लगा हुआ है तो एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो इनको नुकसान हो रहा है, ठीक है। और एक्सपोर्ट क्यों बैन लगाया गया है, ताकि देश में अनाज हो, और देश में अनाज रहेगा, देश में ये चीज़ें रहेंगी तो किसको फायदा होगा, कंज्यूमर को फायदा होगा, और कंज्यूमर एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो सरकार रिस्क नहीं लेना चाह रही है। लेकिन कंज्यूमर को फायदा देने के चक्कर में किसान को नुकसान हो रहा है, फार्मर को नुकसान हो रहा है, ट्रेडर को नुकसान हो रहा है, और पूरे देश की इकॉनमी को नुकसान हो रहा है, ठीक है। ऐसा ही इस आर्टिकल में हरीश दामोदरन का कहना है, इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैज फॉलन टू लगभग 10-11% फॉल हुआ है अप्रैल से सितंबर में, ठीक है। रीजन ये याद रखने का जरूरत नहीं है, एक पर्सपेक्टिव में ये फॉल हुआ लगभग 10%, ठीक है। क्यों, बैन एंड रेस्ट्रिक्शन किस पे, वीट पे भी, राइस पे भी, शुगर पे भी, क्या है भाई, तो देखिए कंट्री का फार्म एक्सपोर्ट जो हमारा था वो लगभग $50 बिलियन छू चुका था, 50 से ऊपर में रह रहा था, ठीक है। लेकिन
और जो इम्पोर्ट हम करते थे वो बिल लगभग 30 से 32 बिलियन डॉलर रहता था, तो नेट हम 20 बिलियन डॉलर जो हमारा पॉजिटिव रहता था, लेकिन ये सब डिक्लाइन हुआ है 10% 12% से, ठीक है। तो क्यों डिक्लाइन हुआ है भाई, तो डिक्लाइन होने का रीजन देख लीजिए, पहले उसका इम्पैक्ट देख लीजिए कि ग्लोबल प्राइस के वजह से डिक्लाइन हुआ है ना, तो ग्लोबल प्राइस का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया पे। इंडियाज फार्म ट्रेड स्पेशली एक्सपोर्ट इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद वर्ल्ड प्राइस, स्ट्रांगली कोरिलेटेड है वर्ल्ड प्राइस से, वर्ल्ड प्राइस पड़ेगा तो उसका इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड प्राइस घटेगा तो उसका भी इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो अपना FPI इंडेक्स निकालता है, फूड प्राइस इंडेक्स, वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो विद वर्ल्ड प्राइसेस कमिंग डाउन, अगर वर्ल्ड प्राइस कम हो रहा है तो बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ये भी कम होगा, ठीक है। और सप्लाई चेन डिसरप्शन होगा तो उससे भी प्राइस पे असर पड़ेगा, जैसे रसिया यूक्रेन वॉर हुआ तो सनफ्लावर का खेती मान लीजिए यूक्रेन में बहुत होता है, ठीक है, तो अब सनफ्लावर का सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गया तो प्राइस पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ एक्सपोर्ट कब, अब देखिए क्या होता है कि ईजिंग ग्लोबल प्राइसेस अ पार्ट अ सेकेंड रीजन फॉर फॉलिंग फार्म एक्सपोर्ट हैज टू डू विद गवर्नमेंट्स रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। ग्लोबल प्राइस कम हो रहा है उसके अलावा, ग्लोबल प्राइस बढ़ेगा तो इंटरनेशनल मार्केट में किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा तो किसान चाहेगा कि वहाँ भेजे, ठीक है, तो ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा, लेकिन ग्लोबल प्राइस कम रहेगा तो किसान बोला कि छोड़ो यार क्या उतना दूर बाहर जाके बेचेंगे, अमेरिका में यहीं बेच लेते हैं जबलपुर में पटना में, ठीक है, तो एक्सपोर्ट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसके अलावा ये एक रीज़न हुआ एक्सपोर्ट कम होने का, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शन जो मेन मुद्दा है इस आर्टिकल का वो भी इम्पैक्ट करता है। जैसे वीट का एक्सपोर्ट बैन कर दिया गया मई 2022 में, ठीक है, ब्रोकन राइस, ठीक है, पाराबॉयल नॉन पाराबॉयल राइस, वाइट राइस, इस पर 20% ड्यूटी लगाया गया था, ठीक है, नॉन बासमती ग्रेन शिपमेंट है, वाइट नॉन बासमती राइस वेयर बैन, ठीक है, सब बैन रेस्ट्रिक्शन। उसका शुगर कैन का भी यही हाल है, बासमती शिपमेंट है तो बासमती चावल क्योंकि हम एक्सपोर्ट के लिए ही ज़्यादातर होता है, बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट हो जाता है, बट उस पर भी मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगा दिया गया, MEP कर्व लगा दिया गया, ठीक है, तो इसका भी एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा। जब आप प्राइस सेट कर दे रहे हैं, अरे मार्केट में जाएगा जितना में बिकना होगा उतना में बिकेगा डिमांड के हिसाब से, लेकिन प्राइस अगर हम सेट कर देंगे तो फिर वो तो वो हो जाएगा ना कि कंज्यूमर को इंटरनेशनल मार्केट में लगेगा कि नहीं नहीं यार इसको 20 रुपये KG मिलना चाहिए था लेकिन हमको 30 रुपये KG मिल रहा है तो हमको 10 रुपये महंगा पड़ रहा है, तो वो नहीं खरीदेगा तो एक्सपोर्ट डिक्लाइन करेगा, है ना। अब ये अलग बात है कि इसका फायदा भी है नुकसान भी है, ठीक है, लेकिन वही हम फायदा नुकसान दोनों का बात कर रहे हैं यहाँ पे। शुगर का एक्सपोर्ट था फ्री टू रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया, पहले फ्री एक्सपोर्ट होता था फिर रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में हो गया, ये क्वांटिटी कैप कर दिया गया कि मान लीजिए कि 500 क्विंटल ही एक्सपोर्ट किया जाएगा या 5000 क्विंटल ही एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो क्वांटिटी पे कैप लगा दिया गया, तो अब अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट भी कम हो गया, ठीक है, तो उससे जो अर्निंग होगा वो भी कम हो जाएगा। पहले 100 KG बेचते थे तो ज़्यादा पैसा कमाते थे, अब 50 KG बेचेंगे तो कम पैसा कमाएंगे, है ना। अब इससे देखिए कंसर्न फॉर फार्मर क्या है, डिक्लाइंग इंटरनेशनल प्राइस नॉट ओनली लोअर द कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, अगर इंटरनेशनल प्राइस कम होता है तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाता है, ठीक है। इंटरनेट चावल अगर 100 रुपये किलो बिक रहा था तो मान लीजिए इंडिया में 80 रुपये किलो जो है ना इनपुट अगर लगता है किसान को उपजाने में तो फिर भी 20 रुपया फायदा है, ठीक, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस हो जाएगा मान लीजिए कि 90 रुपया, तो अब जो 20 रुपया फायदा हो रहा था वो तो 10 ही रुपया फायदा होगा, तो एक तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्री का मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। बट ऑल्सो मेक इट फार्मर मोर वल्नरेबल टू इम्पोर्ट, अगर इंटरनेशनल प्राइस कम हो जाएगा तो जो पहले हम बेच रहे थे दूसरे देशों को अब यहीं पे प्राइस कम है तो बहुत सारा साना समझदार आदमी जो रहेगा ना वो यहाँ से चावल उठाएगा और इंडिया में बेचना शुरू कर देगा, यहाँ से दाल उठाएगा और इंडिया में बेचना शुरू कर देगा, तो अब जब बाहर से माल आकर बिकना शुरू हो जाएगा तो इंडिया का किसान जो उपजा रहा है उसका मार्केट कम हो जाएगा, वो जो पहले 100 आदमी को बेच पाता था 85 आदमी को बेच पाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी का 50 आदमी बाहर का माल खरीद रहा है, तो किसका नुकसान हुआ, किसान का नुकसान हुआ। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, वल्नरेबिलिटी टू इम्पोर्ट, ठीक है, और ये कहाँ पे दिखा है, कॉटन में और एडिबल ऑयल में दिखा है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन का प्राइस क्रैश हुआ तो उसका इम्पैक्ट दिख गया कि कॉटन का जो है इम्पोर्ट बढ़ गया इंडिया में, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेट एक्सपोर्टर टू नेट इम्पोर्टर, हम कॉटन का नेट इम्पोर्टर बन गए इंटरनेशनल मार्केट प्राइस क्रैश होने की वजह से, ठीक है। एडिबल ऑयल में भी देखिए डबल हो गया है ड्यू टू अ स्काई रॉकेटिंग ग्लोबल प्राइस पर्टिकुलरली पोस्ट द वॉर इन यूक्रेन, द वैल्यू ऑफ इंडिया इज एडिबल ऑयल इम्पोर्ट, ठीक है, तो हम जितना इम्पोर्ट कर रहे थे उतना ही कर रहे हैं लेकिन प्राइस वहाँ मार्केट में बढ़ गया है तो जो चीज़ पहले 50 में खरीद रहे थे अब वो 100 रुपया पड़ रहा है तो डबल हो गया है। अब क्यों कर रहे हैं भाई, तो एडिबल ऑयल हम लोग खेती नहीं करते, हम लोग ज़्यादा राइस ज़्यादा वीट का खेती करते हैं और उसके बाद कुछ बच जाता है तो तिलहन दलहन का खेती करते हैं, तिलहन का खेती करते ही नहीं है,
ठीक है, बहुत कम राई सरसों देखिएगा आपकी नदी के किनारे ऐसे ही खाली जमीन पर उगाया जाता है, तो इसलिए हमें एडिबल ऑयल का कमी होता है, तो इसलिए एडिबल ऑयल हम लोग इम्पोर्ट करते हैं और लगभग 70,000-80,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हर साल इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये स्थिति है, तो ये भी चीज़ यहाँ पे जाने, तो इस तरह का आर्टिकल जब आप बार बार पढ़ते रहेंगे तो ये सब आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। प्रिविलेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर ओवर प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है फार्मर है उससे ज़्यादा आप आवभगत किसका कर रहे हैं, कंज्यूमर का, ठीक है। तो वही जो बात हमने पहले किया था कि अब ये सब में जो है कंज्यूमर को शॉर्ट टर्म फायदा होगा लेकिन लॉन्ग टर्म नुकसान है। अगर हम और आप कंज्यूमर हैं तो ठीक है, इस साल सस्ता मिल जाएगा, लेकिन चूंकि किसान के पास पैसा नहीं है तो वो ठीक से खेती नहीं कर पाएगा, तो अगले आने वाले सालों में कंज्यूमर के लिए भी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो इन सब चीज़ों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो एक ये आर्टिकल था। इसके बाद देखिए, इंडिया स्टार्ट्स प्रोसेस टू अडॉप्ट नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। हमारे पास इसके पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं था, सिक्योरिटी जो है वो एडहॉक बेसिस पे आप एक तरह से कह सकते हैं कि चल रहा था कि प्राइम मिनिस्टर का काउंसिल है तो वो डिसाइड कर रहे हैं, होम मिनिस्टर है, अलग अलग मिनिस्ट्री है तो वो सब इन चीज़ों को देख रहा है। एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ है कि अगर पाकिस्तान अटैक किया तो हम क्या करेंगे, चाइना अटैक किया तो क्या करेंगे, पाकिस्तान इस लेवल का अटैक किया तो हम किस लेवल पर जवाब देंगे। ये सब चीज़ें जो है ना वो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि डिस्क्रीट छितराया हुआ था, उसको समेट के एक डॉक्यूमेंट बनाना है, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाना है कि कैसे मिलिट्री एयरफोर्स और आर्मी जो है वो एक साथ मिलकर काम करेगा, नेवी जो है एक साथ मिलकर काम करेगा, कैसे साइबर एक्सपर्ट जो है इसमें अमलगेट हो जाएंगे, कैसे जो है किसी भी हाल में अगर फूड सिक्योरिटी का इशू आ जाता है तो कैसे डील करेंगे। सिर्फ वो जो है ना इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी और मिलिट्री सिक्योरिटी का बात नहीं करेंगे, फूड सिक्योरिटी का बात करेंगे, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी का बात करेंगे, हेल्थ सिक्योरिटी का बात करेंगे, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जो इवॉल्विंग थ्रेट है। अभी नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट में क्या है कि भाई आपको कोई वायरस भेज दिया जाएगा आपके बैंकिंग सिस्टम में और पूरा बैंक जो है वो ध्वस्त हो जाएगा, और जब बैंक ध्वस्त हो जाएगा तो पूरा इकोनॉमी चरमरा जाएगा, तो ये नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है। साइबर वॉरफेयर, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जबरदस्ती का जो ज्ञान है ढकेल दिया जाता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन गया, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, इससे कैसे हैंडल करना, व्हाट्सएप को कैसे रेगुलेट करना, तो ये सब चीजें नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी में होना चाहिए और उस पर है डिस्कशन और ये भी चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, इनपुट फ्रॉम सेवरल मिनिस्ट्री लिया गया है और फाइनल कैबिनेट अप्रूवल के बाद इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा। फर्स्ट टाइम दैट इंडिया वुड हैव दिस स्ट्रेटजी, और इसका मतलब ये नहीं कि पहले कभी कोशिश नहीं हुआ, पहले पास्ट में 3 बार कोशिश हुआ बट कोशिश फेल हो गया, क्यों, पॉलिटिकल कमिटमेंट नहीं था, क्यों, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो अकाउंटेबिलिटी तय कर देगा हर एजेंसी का, हर मिनिस्ट्री का, हर डिपार्टमेंट का, और अकाउंटेबिलिटी से हर कोई भागना चाहता है, कोई भी अकाउंटेबल नहीं होना चाहता है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, तो इसलिए पास्ट में ऐसा हो नहीं पाया। व्हाट इज अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, कंट्रीज सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स वे टू अचीव देम अपडेट पीरियोडिकली, ठीक है। सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या किस तरीके से उसको अचीव करेंगे, ठीक है, और उसको पीरियोडिकली अपडेट करना है, नया थ्रेट आया तो नया पन्ना ऐड हो जाएगा किताब में कि कैसे डील करना है। डिफाइंस ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट, कि ट्रेडिशनल क्या है और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट क्या है, उसको डिफाइन करता है और अकाउंटेबिलिटी तय करता है एजेंसी का कि सीबीआई का क्या अकाउंटेबिलिटी है, ईडी का क्या अकाउंटेबिलिटी है, एनआईए का क्या अकाउंटेबिलिटी है, रॉ का क्या अकाउंटेबिलिटी है, कैसे सब काम करेगा, ठीक है। गाइड द मिलिट्री एज वेल एज क्रिटिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म एंड होलिस्टिक व्यू ऑफ ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी। होलिस्टिक व्यू का मतलब क्या होता है, बर्ड्स आई व्यू, ऊपर से बैठ के आप सारा चीज को देख रहे हैं, सब सारा आर्मी मिलिट्री एयरफोर्स सब कुछ, पुलिस, ठीक है, फूड सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट सिक्योरिटी, रॉ, सीबीआई, ईडी, बीडी, सीडी, जो भी है, थाना, पुलिस, सब कुछ, सबको आप ऊपर से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं होलिस्टिक व्यू, 360 डिग्री में देखना हो, टॉप डाउन देखना हो, ऊपर से नीचे, आगे से पीछे, हर तरह से, ठीक है। एंटायर रेंज ऑफ न्यूअर चैलेंजेस एंड मॉडर्न थ्रेट्स है, उसको कैसे डील करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डिफाइन किया कि नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट क्या होता है, तो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट का मतलब फाइनेंशियल थ्रेट, पहले थ्रेट क्या था, ट्रेडिशनल थ्रेट क्या होता है कि बॉर्डर में कोई घुस गया, आतंकवादी आ गया, टेररिस्ट हमला हो गया, ठीक है, तो उससे डील कर रहे हैं, दोज आर ट्रेडिशनल थ्रेट, चलते आ रहा है, बट नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट है कि फाइनेंशियल थ्रेट है, ठीक है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना, सप्लाई चेन को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना। अब आप बोलेंगे एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, अगर एनवायरनमेंट खराब हो गया तो आप मान के चलिए कि जैसे अगर एनवायरनमेंट सिक्योरिटी आपका नहीं है, तो एनवायरनमेंट सिक्योरिटी नहीं है तो आप वाइल्ड लाइफ से
कितना सारा वायरस निकल सकता है और कोविड जैसा कितना बीमारी पैंडेमिक फैला सकता है आपको अंदाजा नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी नहीं रहेगा, लोग जब भूखे रहेंगे तो आपस में मारकाट करेंगे और सिविल वॉर हो जाएगा, लोग सड़क पे दुकान लूटना शुरू कर देंगे। एनर्जी सिक्योरिटी नहीं रहेगा, तेल हमारे पास नहीं रहेगा, हमारे पास गैस नहीं रहेगा, हमारे पास पेट्रोलियम नहीं रहेगा, तो हम इंडस्ट्री कैसे चलाएंगे, हम अपना बाइक कैसे चलाएंगे, कार कैसे चलाएंगे, ऑफिस नहीं जा पाएंगे, हमारे घर में लाइट नहीं होगा, बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन वारफेयर वही बता दिया आपको, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सबको बचाना है, ठीक है। विच कंट्री हैव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, तो जो भी डेवलप्ड नेशन है, यूके है, रसिया है, यूएस है, चाइना के पास अपना है कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और पाकिस्तान के पास भी है। तो आप बताइए इंडिया को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, तो बिल्कुल बनाना चाहिए। व्हाई द एफर्ट नाउ, पहले क्यों नहीं था, तो अभी एफर्ट इसलिए है क्योंकि देखिए ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स अगर आप देखिए, पास्ट में भी अटेम्प्ट किया गया, 3 पास्ट अटेम्प्ट फेल हो गया, और ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स अगर आप देखिएगा अभी जितना टेंशन है, रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, फिलिस्तीन इसराइल वॉर हो रहा है, उधर हाउथी रिवेलियन है यमन में, ठीक है, ईरान का टसल चल रहा है बाकी कंट्री से, ठीक है, इधर पाकिस्तान जो है वो हमको समझिए नहीं रहा है कुछ, चाइना जो है वो बार बार कभी हमको कश्मीर वाला एरिया में छेड़ता है, कभी नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में छेड़ता है, ठीक है, कभी नीचे श्रीलंका में हमन तोता पोर्ट खरीद लेता है, तो ये सब इशू चल रहा है। तो जब तक हम सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं लेके आएंगे तब तक हमें दिक्कत है। ओनली पॉलिटिकल डायरेक्शन टू द आर्म फोर्स क्या है, रक्षा मंत्री का ऑपरेशनल डायरेक्टिव 2009 का, इसके पहले जो अगर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नहीं है तो उसके जगह पर मात्र हमारे पास ये अवेलेबल है, तो इसलिए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होना चाहिए। कौन कौन बोला, देखिए फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल एनसीबी वो बोल रहे हैं कि होना चाहिए, ठीक है, और ये मेजर मिलिट्री रिफॉर्म कराने में सहायक होगा नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। शिवशंकर मेनन फॉर्मर एनएसए हैं जो अभी अजीत डोवाल हैं, तो वही शिवशंकर मेनन पहले थे, तो वो बोलते हैं कि इंडिया नीड्स अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और एक वाइट पेपर ऑन डिफेंस डिटेलिंग भी आना चाहिए। फॉर्मर आर्मी चीफ एमएम नरवणे जो अभी हाल फिलहाल में रिटायर हुए, एसेंशियल टू ड्राफ्ट अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बिफोर टेकिंग द मिलिट्री कमांड थिएटराइजेशन, ये भी एक मिलिट्री इंटरनल सिक्योरिटी में रिफॉर्म है, मिलिट्री कमांड थिएटराइजेशन, थिएटर बना के वॉर करना जहाँ पे आर्मी एयरफोर्स और नेवी सब एक साथ मिलकर काम करेगा, इसे अंडमान एंड निकोबार वाला, लेकिन उससे पहले नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ये एक फ्रेज हो गया कि अगर ये नहीं करते हैं बिना नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी का आप काम करते हैं, तो ये ठीक वैसा ही है कि बैलगाड़ी को खींचना है या किसी भी रथ को खींचना है तो घोड़ा उसके आगे लगाया जाता है, लेकिन अगर आप घोड़ा आगे लगाने का मतलब क्या हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अगर ये नहीं है तो मिलिट्री थिएटराइजेशन करने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप घोड़ा से काट को नहीं खींच रहे हैं, काट से घोड़ा को खींच रहे हैं, ठीक है। व्हाई डिड इंडिया नेवर हैव अ नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, तो वो भी आपको बता दिए, हेजिटेशन था पॉलिटिकल लेवल पे, ठीक है, कोई भी अकाउंटेबिलिटी लेना नहीं चाहता था, लैक ऑफ कोहेसिवनेस, होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट नहीं था, मिनिस्ट्री वाइज एफर्ट चलता है और बहुत सारे चीज़ों में चलता है, एंड दैट्स वाई ये हाल है। प्याज का अगर आप दाम देखेंगे तो ये आर्टिकल आप खुद से पढ़ लीजिएगा, इसको हम टेलीग्राम पर भी डाल देते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब एआई पे है, तो एआई देखिए जितना भी एआई सबमिट हुआ है अभी लंदन में हुआ है, ठीक है। अब ये पीछे एक एक्सप्लेन आया था आर्टिकल मेरे ख्याल से 4 तारीख के आसपास, ठीक है। अब कोशिश करते हैं उसको भी थोड़ा सा बना देंगे अलग से, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाला तो खैर डिस्कस हो ही गया। तो ब्लिचके पार्क है यहाँ पे लंदन में, वर्ल्ड वॉर टू के समय जो है ना, जर्मनी और जर्मनी का जो भी सपोर्टिंग वाला था कंट्री, ठीक है ना, एक्सिस फोर्सेस, उसका जो भी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होता था तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए, उसको इंटरसेप्ट करने के लिए यही इसी पार्क में बिल्डिंग बनाया गया था इस वाले एरिया में, जिसको कि ब्लिचली पार्क बोलते हैं या जो भी प्रोनाउंसिएट करते होंगे इसको, तो इसलिए इसका हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस है। तो अभी जब एआई सेफ्टी का बात आया तो इसको भी यहीं पे किया गया है, ठीक है। अब है क्या, देखिए यूरोप और यूएसए का स्टैंड अलग अलग है। यूएसए क्या करता है, सारा एआई डेवलप करने वाला कंट्री यूएसए का है, तो इसको भाई टैक्स वगैरह मिलता है, दुनिया में पावरफुल होगा एआई, जितना ज़्यादा पावरफुल होगा यूएसए उतना ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन यूरोप में क्या है ना, पब्लिक अवेयर्ड है, यूएसए नया नया लड़ाई झगड़ा शुरू किया, नया नया राजा बना है, ठीक है, लेकिन यूरोप जो है वो तो भाई दुनिया को 200-300-400 साल तक कॉलोनाइज करके रखा, तो यहाँ का लोग जो है ना थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया है, तो बोला कि भाई मारकाट नहीं चाहिए, एआई को रेगुलेट करो, ठीक है, डेटा को लेकर लॉ लेके आओ। इसीलिए लीजेंडरी डेटा लॉ अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे पहले यूएसए में बनाया गया, देखिए यूएसए में कौन सा लॉ बनाया गया था, जीडीपीआर बनाया गया था, यूरोपियन यूनियन हैज इन्फोर्स द लैंडमार्क जीडीपीआर जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। डेटा पे इतना बात होता है, हम लोग का डेटा लीक होता है, आधार का डेटा चोरी
भी हो जाता है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन जो है इसको 2018 में ही GDPR लेके आया था। इसका फोकस क्या था? प्राइवेसी पे, भाई की जो कंज्यूमर है फेसबुक जो यूज कर रहा है उसका प्राइवेसी को आप छीन नहीं सकते हैं, उसका डेटा को बिना उसके कंसेंट के आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें फिर DSA और DMA वगैरह लेके आया गया था, डिजिटल सर्विस एक्ट, डिजिटल मार्केटिंग एक्ट, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कहीं पे भी डेटा प्राइवेसी में, और इंडिया में भी डेटा प्राइवेसी का लॉ अभी बनने के फेज में बनाया जा रहा है, ठीक है। और वैसे भी राइट टू प्राइवेसी जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये आप कमेंट करके बताइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये आता है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट, प्लस राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजमेंट में, ठीक है, हम हिंट दे देते हैं KSP कौन से जजमेंट में इसको राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया गया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। तो AI पे भी डिस्कशन चल रहा है, तो AI को भी रेगुलेट करने का बात हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, अदरवाइज AI बिल भी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है हम लोग को, ठीक है। इंडिया पहले AI को रेगुलेट करने का बात नहीं कर रहा था, लेकिन अब जब क्योंकि बहुत तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है तो अब समझ में आया कि AI जो है वो हमारे लिए थ्रेट भी हो सकता है। AI का इस्तेमाल करके रोबोट बनाया जाएगा, टेररिस्ट अटैक करा देगा, ड्रोन अटैक करा देगा। AI का इस्तेमाल करके हमारा पूरा डेटा कुछ एनालाइज किया जाएगा, मोबिलाइज किया जाएगा, और एनालाइज करके मान लीजिए कि हमारे इलेक्शन को मैनिपुलेट कर लिया गया तब। तो इसलिए AI को रेगुलेट करना जरूरी है ग्लोबल लेवल पे, ये गवर्नमेंट्स का ऐसा सोचना है। हालांकि जो कंपनी AI डेवलप कर रही है तो उनका कहना है कि नहीं, जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं वो हमें ग्रो नहीं करने देना चाहती हैं, और इसलिए ये सब तरह का अफवाह उड़ाया जा रहा है कि AI जो है वो ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस कर देगा, AI जो है वो बहुत सारे इलीगल काम में यूज होगा, AI से जो है दुनिया को, ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल ह्यूमैनिटी को थ्रेट है, ठीक है। तो ये दो अलग अलग पर्सपेक्टिव है, 3-4 आर्टिकल ऐसे पढ़िएगा आप तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें इनका महानुभाव का क्या कहना है, इनका कहना है कि अगर इंडिया को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मार्केट को खोलना पड़ेगा। आप अपने करेंसी को एकदम फ्री छोड़ दीजिए, रुपी को फ्री छोड़ दीजिए कि रुपी का वैल्यू डॉलर के मुकाबले क्या रहेगा। इसमें RBI का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, और तब जाके लोग जो है ना वो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे इंडिया में कस के, ठीक है। और इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, इंडिया में FDI आने का, FPI आने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ठीक है। और वो सब यूज़ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और बाकी चीज़ों को डेवलप करने में, बट उसके लिए मार्केट को लिबरलाइज करना पड़ेगा, मार्केट को ओपन करना पड़ेगा। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? LPG आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो जब आप स्टैटिक पढ़ेंगे इकॉनमी तो उसमें आपको मिलेगा 1991 में इंडिया में LPG किया गया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी हमारे देश को ओपन कर दिया गया मार्केट को कि बाहर से पैसा आएगा, बाहर से कंपनी आएगी। और इसीलिए LPG के बाद का जो हम लोग जनरेशन है, हम लोग TV, कंप्यूटर, मोबाइल सब मिला, लेकिन उसके पहले वाले को देखेंगे तो चीजें स्मगल की जाती थी, ठीक है। कपड़ा तक स्मगलिंग होता था, ठीक है। स्मगलिंग का मतलब सिर्फ गांजा चरस का स्मगलिंग और ड्रग्स का स्मगलिंग नहीं होता है, रेडियो का, घड़ी का, टीवी का स्मगलिंग होता था, ठीक है। तो मार्केट को खोला गया, कंपनी सब आया, प्राइवेटाइज किया गया, सब चीज़ सरकार अपने अंडर में रखती थी तो वो फिर प्राइवेट लोगों को करने देना शुरू कर दी। जैसे आप देखिए बड़ा बड़ा पुल, बड़ा बड़ा ब्रिज जो है वो प्राइवेट कंपनी बनाती है। और ग्लोबलाइजेशन मतलब कि ग्लोबल मार्केट से जुड़ना है, आइसोलेट होकर अलग नहीं रहना है, LPG हुआ था। तो उसी के कंटिन्यूएशन में बोला जा रहा है कि आपने पूरी तरह से मार्केट नहीं खोला, अभी और खोलने का जरूरत है। तो आप देखते हैं ना कि FDI का लिमिट लगाया हुआ रहता है, 100% FDI तो सारे चीज़ में तो लगभग अब तो अलाउ कर दिया गया, लेकिन अगर आप पिछले 7-8 साल या 10 साल का ट्रेंड देखेंगे तो FDI ग्रेजुअली ओपन किया गया है। पहले 20% FDI अलाउड था, फिर 30 कर दिया गया सेक्टर वाइज, उसके बाद 50 किया गया, बहुत सारा क्रिटिकल जो है उसमें अभी भी मात्र 70% है, मतलब 25% जो है वो इंडियन पैसा ही लगेगा, मैक्सिमम जो विदेशी पैसा लगेगा वो 75% लगेगा। तो अगर बोलेंगे कि क्या कि इंडिया पूरी तरह से ओपन मार्केट है, तो नहीं, पूरी तरह से ओपन नहीं है, 75% ही ओपन हुआ ना, 25 तो बाकी रह गया। तो ये चीज़ है, तो इनका कहना है कि मार्केट को ओपन कीजिए, ठीक है। ये देखिए REITs और इनवाइट्स, ये ट्रस्ट बनाया गया क्यों? ताकि इसमें प्राइवेट लोग जो है ना वो पैसा डाले, कंपनी पैसा डाले, और वो पैसा का यूज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हो, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से जो प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिट को इन्वेस्टर्स को बांटा जाएगा, ठीक है। यही काम था, ट्रस्ट बनाया गया था सरकार के द्वारा, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इसमें खूब पैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई इन्वेस्ट हो रहा होगा, लोग को अपना प्रॉफिट समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, तो इसलिए। अब प्रॉफिट क्यों होगा? तो ये जो काम करेगा वो काम अच्छा हो रहा होगा,
और इसका क्या काम है, तो इंफ्रा डेवलप करना है, रोड बिल्डिंग है ना, रिन्यूएबल एनर्जी लगाना, पावर प्लांट लगाना, वैसे चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, मूलभूत संरचना, मूलभूत ढांचा को खड़ा करना है। तो राइट्स और इनवाइट्स, ठीक है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अट्रैक्टिव रिटर्न मिल रहा है इस पे इन्वेस्टर्स को, और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकार भी चाहती है कि इसमें खूब पैसा आए और इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब डेवलपमेंट हो, तो इसलिए ये ट्रस्ट अभी खूब चल रहा है, इसमें खूब पैसा इन्वेस्ट हो रहा है और खूब रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, ये है बेसिक लबो लुआव। बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू फोकस मोर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ठीक है, और यही चीज जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए कैपेक्स एक्सपेंडिचर के बारे में है, क्या स्टेट का कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ही होता है, तो देखिए कैसे ये सब चीज रिलेट हो जाता है। खैर, अब थोड़ा इनवाइट्स और उसमें देख लेते हैं कि थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दिया हुआ है कि इनवाइट्स हैव बीन मोर पॉपुलर देन REITs, यानी इन्वेस्ट इन इंडिया ट्रस्ट जो है वो ज्यादा पॉपुलर है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इनवाइट्स जो है ना, एक तो कि वाइडर चीजों में इन्वेस्ट करता है, रोड, हाईवे, ब्रिज, रेलवे, पावर ट्रांसमिशन लाइन, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में गैस पाइपलाइन, सब चीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो भाई अपॉर्चुनिटी ज्यादा है जब ज्यादा चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दूसरा क्या है कि इनकम टैक्स पेमेंट जो है ना ट्रस्ट के लेवल पे वो उससे एग्जेम्प्टेड है, मतलब ये जो ट्रस्ट पैसा कमा रही है उस पर इनकम टैक्स नहीं लग रहा है, उससे एग्जेम्प्टेड है, तो भाई उससे भी पैसा बच रहा है, तो प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है, तो इसलिए ये ज्यादा फेमस है। ठीक, बाकी ऐसे एग्जाम्पल मेंस में आपको देना है कि सरकार क्या कर सकती है, तो सरकार खुद से खर्च करने के अलावा मार्केट से पैसा उठा सकती है, इनवाइट्स और REIT जैसा ट्रस्ट बना सकती है। ठीक है, तो ये था इस उसका इस आर्टिकल का मतलब। ठीक है, यहाँ बाकी स्टेट कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ रहा है, तो स्टेट एक्सपेंडिचर कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपेक्स शॉर्ट में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल है, और इसमें बिहार जो है वो भी वहाँ पे भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। ठीक है, कीपिंग इन माइंड द फंड क्रंच फेस्ड बाय द स्टेट, स्टेट को जो फंड का क्रंचिंग है ना, तो सेंटर जो है ना एलोकेशन इंक्रीज कर दिया है अंडर द स्कीम्स फॉर स्पेशल असिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिकली इस आर्टिकल से यही समझ में आया कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो रोड बनेगा, रेलवे बनेगा, स्कूल का बिल्डिंग बनेगा, हॉस्पिटल का बिल्डिंग बनेगा है ना, पार्क बनेगा, पावर ट्रांसमिशन लाइन बनेगा, नया रेलवे बनेगा, तो इससे क्या है, एक तो इकोनॉमी को बूम मिलेगा और इतने क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिलेगा, इतने कंज्यूमर्स को सर्विस मिलेगा। ठीक है, तो हमारा इकोनॉमी बूम करेगा। ठीक है, हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अच्छा होगा। सेंटर हैज रेज्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर टारगेट, कितना, $10 trillion। ठीक है, जिसमें कि $1.3 trillion जो है स्टेट को लोन दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024 में। ठीक है, $10 trillion। तो अगेन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कोट कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो ये था ये आर्टिकल। इसके बाद हम लोग चलते हैं मेन आर्टिकल पे, आते हैं पोषण ट्रैकर ऐप देख लीजिए, ऐप फॉर मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर, पोषण ट्रैकर ऐप है, हेल्प इंप्रूव लास्ट माइल डिलीवरी। ये देखिए कीवर्ड है, इसको याद रखना है कि लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ न्यूट्रिशनल सर्विसेज कैसे होगा भाई, तो देख लीजिए पोषण ट्रैकर काम कैसे करता है। मोबाइल फोन है, न्यूट्रिशन को मॉनिटर करता है कि चिल्ड्रन को और वीमेन को जो आंगनवाड़ी के द्वारा दिया जाता है न्यूट्रिशन उसको मॉनिटर करना है, चिल्ड्रन का हाइट कितना है, वेट कितना है, क्या खाया नहीं खाया, सब रियल टाइम पे मोबाइल ऐप में अपडेट करते जाना है। जैसे जो भी आंगनवाड़ी वर्कर है उसके पास मोबाइल है, मोबाइल में सारा डेटा डालना है, जैसे ही ऐप में डेटा गया तो वो डेटा कहाँ जाएगा, वो डेटा जाएगा सीधे सेंट्रल डेटाबेस में। ठीक है, तो अब ऐसा ऐसा जितना सारा आंगनवाड़ी है गांव लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और उसके बाद फिर नेशनल लेवल पे, सब सेंट्रल एरिया में सेंट्रल डेटाबेस में पहुंच रहा है, तो रियल टाइम डेटा पहुंच रहा है, डेली का डेली अपडेट मिल रहा है। अब इससे पॉलिसी बनाना कितना आसान हो जाएगा। अब दूसरा आप इमेजिन कीजिए कि एक एक आंगनवाड़ी कागज पे लिखता, रजिस्टर मिलता। अब आंगनवाड़ी वाला तो ब्लॉक में जाएगा भाई, ठीक है, तो 10 20 50 आंगनवाड़ी वाला एक ब्लॉक में गया, फिर 50 ब्लॉक वाला जो है वो अपना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को देगा, फिर वहां से डीएम के पास जाएगा, फिर सारे स्टेट का डीएम का एक जगह जमा होगा, फिर पूरा स्टेट जैसे जमा किया तो ये सारा स्टेट मिलके सेंटर में जमा करेगा, तो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया और कितना डिले होगा। तो मतलब कि हम 2 साल 3 साल 1 साल पीछे डेटा में चलेंगे, अभी जो डेटा कलेक्ट हुआ वो 1 साल के बाद हमको मिलेगा देखने के लिए। ठीक, तो जो पॉलिसी बनाएंगे वो 1 साल डिलेड रहेगा, बट रियल टाइम डेटा जब यूज करते हैं तो पॉलिसी क्या है, रियल टाइम बन पाता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करेगा, ट्रांसपेरेंसी तो आ ही गया कि क्या खाने को मिला क्या नहीं मिला, अकाउंटेबिलिटी भी कि काम हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, डिलीवरी टू द लास्ट माइल, माल न्यूट्रिशन इन इंडिया है तो सही बात है, हंगर है, भुखमरी है, माल न्यूट्रिशन है, अंडर 5 डेथ है, स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, मास वेस्टिंग है। ठीक है,
रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ मोर देन 50% ऑफ चिल्ड्रन इन द कंट्री, ये अभी जो अप्लाई किया गया है उससे 50% से ज़्यादा चिल्ड्रन को मॉनिटर किया जा सकता है, किया जा रहा है, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि रियल टाइम में 50% ऑफ चिल्ड्रन आर गेटिंग मॉनिटर्ड। ठीक है, पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड जो है बनाया गया है वो कैप्चर करता है स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा, नेशनल स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेटा, वही जो आपको भी बताया उससे, नंबर ऑफ बेनिफिशियरी, न्यूट्रिशनल आउटकम, ठीक है, सब कुछ, अ रियल टाइम फीडबैक लूप फॉर फ्रंट लाइन फंक्शनलिटीज टू प्रिवेंट माल न्यूट्रिशन बाय आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन। तो माल न्यूट्रिशन तो ऑब्वियस बात है प्रिवेंट होगा, हंगर प्रिवेंट होगा, है ना। माइग्रेशन फैसिलिटीज फॉर बेनिफिशियरीज मूव टू अनदर आंगनवाड़ी सेंटर विद इन और आउटसाइड द स्टेट। अब देखिए माइग्रेट कर रहा है, अब वो कागज पत्र वाला काम करेगा तो कितना मुश्किल है, अपना गांव का मुखिया से लिखवाइए, फिर जहां जा रहे हैं तमिलनाडु तो वहां जाके लिखवाइए, ऑफिस में जमा कीजिए, तामा झामा। लेकिन पोषण ट्रैकर ऐप से कितना सीमलेसली और स्मूथली ये काम हो जाएगा। ठीक है, डेटा का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा, और डेटा का क्वालिटी का थोड़ा इशू होता है कि अब बच्चा नहीं भी खाया है तो आंगनवाड़ी वाले जो करप्शन कर रहे हैं तो वो दिखा देंगे कि हाँ भाई 5-5 अंडा खिलाए हैं और एकदम ग्रीन वेजिटेबल खिलाए हैं, जबकि ऐसा हकीकत में है नहीं, तो उसके लिए फिर आगे काम होगा। लेकिन अभी ये है, इंडोनेशिया में इस तरह का चीज़ को अप्लाई किया गया था, तो जब मॉडल लिखा जाता है ना तो इस तरह का मॉडल में आप दे सकते हैं कि इंडोनेशिया इस मामले में इंडिया के जैसा कंपनी है हंगर और माल न्यूट्रिशन को लेकर, तो इंडोनेशिया में ये चीज़ अप्लाई किया गया था ऑनलाइन ट्रैकिंग के लिए और बहुत बहुत कारगर रहा था। फाउंड दैट द मोबाइल फोन ऐप इंप्रूव द एक्यूरेसी ऑफ ग्रोथ मॉनिटरिंग फॉर चिल्ड्रेन पर्टिकुलरली अंडर वेट बाई 80% ऑन एन एवरेज। तो इतना डेटा याद रखने का जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रख सकते हैं कि इंडोनेशिया में इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया था। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, स्टंटेड और वेस्टेड। तो देख लीजिए, पोषण ट्रैकर द ऐप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट वेदर चाइल्ड हैज लो हाइट फॉर एज। तो जिस एज में जितना हाइट होना चाहिए अगर उससे कम है, इसका मतलब कि बच्चा स्टंटेड है। जिस एज में जिस हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए अगर वो नहीं है, यानी बच्चा वेस्टेड है। लंबा है, एकदम पतला दुबला सुखड़ू सा है, यानी वेस्टेड बच्चा है। ठीक है, 10 साल का बच्चा है लेकिन लंबाई ही नहीं बढ़ रहा है तो स्टंटेड बच्चा है। ठीक है, और ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है क्योंकि चाइल्ड के माल न्यूट्रिशन को कैप्चर करने के लिए स्टंटेड वेस्टेड अंडर 5 डेथ, ठीक है, और ये मेन पैरामीटर्स होता है। ठीक है, चाहे यूनाइटेड नेशन यूज़ करे, चाहे इंडिया में यूज़ किया जाए, चाहे कोई भी कंट्री यूज़ करे, ये डेटा, ये जैसे एयर के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स यूज़ करते हैं ना, उसी तरह से ये यूज़ करते हैं, तो ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। मिक्स बेनिफिशियरी वाइज डेटा दैट इज ऑब्जर्व ऑन द ग्राउंड, तो वही डेटा का ही बात बोला गया, टाइमलीनेस है। ठीक है, रियल टाइम ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टू लोकल स्टेट एंड नेशनल ऑफिस। इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखें तो आंगनवाड़ी वर्कर्स आर ओवरबर्डन, तो इंडियन कंटेक्स्ट का बात कर रहा है, आंगनवाड़ी वर्कर है, एक वर्कर है, 50 बच्चा उसके जिम्मे में, एक पूरा गांव है, तो थोड़ा सा इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, आंगनवाड़ी वर्कर बढ़ाना पड़ेगा, फीडबैक टू इंप्रूव, उनको फीडबैक, जब वो अच्छा फीडबैक देंगी तभी तो इंप्रूवमेंट होगा, तो इसलिए उनका स्किल बिल्डिंग करना पड़ेगा, उनको टेक्निकल असिस्टेंट देना है, उनको टेक्निकली साउंड बनाना है। ठीक है, इंडियाज पोषण ट्रैकर रिप्रेजेंट अ ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव इन मॉनिटरिंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो ये सब देखिए कंक्लूजन में यूज किया जाता है, जब आप किसी भी मेंस का जब आप आंसर लिखते हैं ना तो इस तरह के लाइन से कंक्लूड करना होता है। डेटा सर्व्स एज अ टूल नॉट अ गोल इन इटसेल्फ। डेटा मिल रहा है लेकिन डेटा को चाटेंगे क्या, डेटा को पॉलिसी बनाने में यूज करना है। तो डेटा अपने आप में क्या है, डेटा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी अपने आप में क्या है, कुछ नहीं है। जब तक टेक्नोलॉजी का सकारात्मक पॉजिटिव यूज नहीं होगा तब तक हमारा गोल जो है, हमारा अंतिम लक्ष्य जो है, वो प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो पोषण ट्रैकर अगर आपसे पूछ दिया जाए कि क्या किया जाता है, तो प्रीलिम्स का भी सवाल डील और मेंस का भी सवाल डील। ठीक है, क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस विल रिक्वायर सस्टेनेबल ग्लोबल एंड लोकल कमिटमेंट। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि हमारे शरीर में होता है बैक्टीरिया, कुछ होता है गुड, कुछ होता है बैड। गुड वाला से तो दिक्कत नहीं है, जैसे दही वाला हमारे लिए फायदा वाला है। बैड बैक्टीरिया को फिर हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खा के उसको मारते हैं। ठीक है, ताकि हम बीमार ना पड़े। लेकिन आप सोचिए कि अगर दवाई खा रहे हैं और इस बैक्टीरिया पर कोई असर नहीं हो रहा है तब क्या होगा? फिर क्या बोलेंगे कि थोड़ा कड़ा वाला एंटीबायोटिक दीजिए भाई, थोड़ा स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक दीजिए। स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक मिला, खाए तो बैक्टीरिया मर गया और हमारा तबीयत ठीक हो गया। लेकिन अब आप सोचिए कि स्ट्रॉन्ग वाला भी एंटीबायोटिक है, वो भी अब बैक्टीरिया पर काम ना कर पाए, बैक्टीरिया उसको भी झेल जाए, तब क्या होगा? तब आप बीमार के बीमार रह जाइएगा, आपके लिए कोई दवाई ही नहीं होगा। तो आपको जो बीमारी होगा अगर वो जानलेवा रहा तो फिर जान चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेस में ये बैक्टीरिया जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है ना कि दवाई असर नहीं कर रहा है इस पर, इसको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप मान लीजिए कि एंटीबायोटिक का आपको 5 दवाई खाना था,
ठीक है, इससे बैक्टीरिया पूरी तरह से मारा जाता है। लेकिन आप क्या किए, 5 की जगह 2 दवाई खाए। अब 2 दवाई खाए तो बैक्टीरिया थोड़ा देर के लिए सुस्त हो गया, मरा नहीं है, सुस्त हुआ है बस। सुस्त हुआ है तो जब भी फिर से जागेगा तो फिर आपको बीमार करेगा, और मजबूत हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि 2 को जो ये आप एंटीबायोटिक खाए थे ना, वो इसको झेलने का ताकत इसमें पैदा करा दिया। अब अगली बार जब आप यही वाला सेम दवाई खाइएगा ना, तो इस बैक्टीरिया पर असर नहीं करेगा, बहुत कम असर करेगा, ठीक है। और जब कम असर करेगा तो कम असर करने के वजह से ये ठीक नहीं हो पाएगा। तब फिर आप क्या बोलिएगा कि अब एंटीबायोटिक जो है ना थोड़ा कड़ा वाला चाहिए, तो कड़ा वाला खाइएगा तो फिर असर करेगा। लेकिन कड़ा वाला में भी 5 की जगह आप 2 ही खाइएगा तो उसके साथ भी यही प्रॉब्लम रह जाएगा, और इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है। क्यों होता है? होता इसलिए है कि हम अपने मन से एंटीबायोटिक जो है अपने आप को रिकमेंड कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, भैया 3 को एंटीबायोटिक दीजिएगा, और टप से खा लेते हैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए, ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन, अपने आप से जाकर दवाई दुकान वाले से बोलते हैं कि ये चीज का दवाई होगा, दे देता है उसको, तो दवाई बेचना है, और इस वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। और क्यों होता है? हॉस्पिटल से जो कचरा वगैरह निकलता है वो पानी में गया, उसमें बैक्टीरिया गया, वो बैक्टीरिया बहुत खतरनाक होता है, वो किसी भी तरह से हमारे पीने वाले पानी में आ जाता है, उसके वजह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। इसके अलावा बैक्टीरिया का अपना जेनेटिक म्यूटेशन होते रहता है, बैक्टीरिया अपना इवॉल्व होते रहता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला डार्विन वाला कहानी चलता है, तो इसलिए एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है। तो डेली डिक्लेरेशन जो G20 में हुआ है उसमें कमिटमेंट है कि आगे ग्लोबल हेल्थ आर्किटेक्चर को स्ट्रॉन्ग करना है, रेजिलिएंट बनाना है, इक्विटेबल बनाना है, सस्टेनेबल बनाना है, और इंक्लूसिव हेल्थ सिस्टम बनाना है, ठीक है, वन हेल्थ अप्रोच अपनाना है। अब बोलेंगे वन हेल्थ अप्रोच क्या होता है, तो पूरा दुनिया का हेल्थ एक है, चाहे दुनिया का आदमी हो, चाहे दुनिया का जानवर हो, चाहे चिड़िया हो, चाहे मच्छर हो, चाहे पेड़ पौधा हो, ठीक है। तो प्लैनेट, पीपल, डाइवर्सिटी, फ्लोरा, फौना, सबका हेल्थ एक है, उसको बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच, ठीक है। कोविड क्यों हुआ? किसी जानवर से ही कोई वायरस निकला और वो वायरस पूरा इंसान को जख्मी कर दिया, घायल कर दिया, मार दिया, ठीक है। तो अगर इस जानवर का हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस तरह का कोविड बार बार आते रहेगा, तो इसलिए वन हेल्थ अप्रोच को अपनाना है। प्रायोरिटाइज टैकलिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसके लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। इक्विटेबल एक्सेस टू सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल वैक्सीन्स, मिडिल इनकम कंट्रीज, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स में ये चीज़ करना और ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। वन हेल्थ अप्रोच को अपनाना, वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना। लैंसेट जो कि मतलब कि हेल्थ रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, इसको आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर में, तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया कि 4.95 मिलियन डेथ्स वेर एसोसिएटेड विद बैक्टीरियल AMR, बैक्टीरिया का जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है ना, उससे लगभग 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोग का डेथ हुआ है, सोच लीजिए, ठीक है, 50 लाख लोग इस वजह से उनका डेथ हुआ है बैक्टीरियल AMR के वजह से। द मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू दैट ऑफ डिजीज सच एज HIV एंड मलेरिया। HIV और मलेरिया से जितना डेथ हो रहा है ना, उतना AMR से हो रहा है, लेकिन AMR के बारे में चर्चा नहीं है, जैसे पॉल्यूशन के बारे में चर्चा नहीं है। राइजिंग लेवल ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ड्रिवन बाई किस चीज़ से? एक्सेसिव एंटी माइक्रोबियल यूज, बात बात में एंटीबायोटिक खा लेना, इन्फेक्शियस डिजीज, बट ऑल्सो मतलब ये इन्फेक्शियस डिजीज को न केवल बढ़ाएगा बल्कि कैंसर ट्रीटमेंट को भी हैम्पर करता है, कैंसर भी ठीक होने में प्रॉब्लम करता है AMR, दवाई ही असर नहीं करेगा। G20 कंट्रीज आर होम टू ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। देखिए इस बार सवाल आया था ना कि G20 जो है कितना परसेंट पॉपुलेशन है BPSC में 69th में, और कितना परसेंट ग्लोबल GDP का कितना परसेंट है इसमें, तो यही सबसे सवाल बनता है। देख लीजिए G20 कंट्रीज आर होम टू ओवर 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है। अफ्रीका का कितना है? तो 20% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन अफ्रीका में अकेले है, ठीक है। अब करना क्या है? नेशनल एक्शन प्लान बनाना है, रीजनल एक्शन प्लान बनाना है, सबको कोऑर्डिनेट करा देना है, कोऑर्डिनेट करा के काम करना है। और इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो इंटरनेशनल फंडिंग करना है, जैसे क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनल फंडिंग का जरूरत है, उसी तरह से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से लड़ने के लिए इंटरनेशनल फंडिंग का जरूरत है। पेटेंट में रिफॉर्म करना है, कोई कंपनी दवाई बना ले और पेटेंट करा दे, बोले नहीं देंगे किसी को, तो नहीं, पेटेंट का रूल थोड़ा सा लीनियंट होना चाहिए और अफोर्डेबल दवाई बनाने का सिस्टम डेवलप करना चाहिए। कोई पेटेंट करा ले बना के डेवलप करके और एवरग्रीनिंग करते रहे तो ये चीज़ नहीं चलेगा, अफोर्डेबिलिटी
सिक्योरिटी पे भी ध्यान देना होगा, इक्विटेबल हेल्थ केयर पे भी ध्यान देना होगा, ठीक है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप अ नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR, ठीक है। तो देखिए इंडिया इसमें लीड ले रहा है, तो इंडिया दुनिया को रास्ता दिखा सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सब ऑप्टिमल इंप्लीमेंटेशन, एब्सेंस ऑफ लीडरशिप एंड रिसोर्सेज, स्पेशल फोकस ऑन सर्विलांस हमें देना होगा। इंटरसेक्टोरल कनेक्शन बिटवीन ह्यूमन एनिमल प्लांट हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट, ये सब क्या है, इंटरसेक्टोरल, एनिमल सेक्टर, ह्यूमन सेक्टर, प्लांट सेक्टर, एनवायरनमेंट सेक्टर, इस सब को आपको मिला के चलना होगा, यानी वन हेल्थ अप्रोच से आपको चलना होगा, ठीक है। इसके लिए एग्जांपल दे सकते हैं, फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस जो कायाकल्प है वो इंडिया में चल रहा है, तो ये इसका एग्जांपल है कि कैसे सरकार जो है इस चीज़ को हैंडल कर सकती है, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एजुकेटिंग पीपल कि भैया अपने से डॉक्टर मत बनिए, ओवर यूजिंग एंटीबायोटिक्स नहीं करना है, ठीक है। जो जानवर है उसे दूध निकालने के लिए या जल्दी मुर्गा को बड़ा करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे दिया जाता है तो उसको कर्व करना जरूरी है, ठीक है। एकेडमीसिया और सिविल सोसाइटी को साथ में आना होगा, लोगों को अवेयर कराना होगा। अगर दुनिया में 50 लाख लोग मर रहे हैं एक साल दो साल में इसके वजह से, तो सिविल सोसाइटी को आना होगा आगे पोस्टर बैनर लेके कि भाई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है, नया टेक्नोलॉजी डेवलप करना पड़ेगा, नया दवाई डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे एग्जांपल दिया गया कि टीवी और एचआईवी एड्स जो है ना वो बिना सिविल सोसाइटी के एंगेजमेंट के कंट्रोल में नहीं आता, सिविल सोसाइटी का एंगेजमेंट हुआ इसलिए एचआईवी और टीवी कंट्रोल में आया है, ठीक है। एएमआर को कोविड से कंपेयर किया गया कि सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, सेम डेंजर है, ठीक है। अब देखिए इंडोनेशिया में क्या किया गया कि नेशनल सर्विलेंस प्लान बनाया गया है, ऑस्ट्रेलिया क्या किया गया है, एनिमल हेल्थ को प्रायोरिटाइज किया गया है, ठीक है। और कमिट किया है कि एंटीबायोटिक यूज को रिड्यूस किया जाएगा लाइव स्टॉक में। लाइव स्टॉक को क्या होता है ना, बेसिकली एंटीबायोटिक देते हैं, लाइव स्टॉक क्या होता है, गाय है तो दूध ज्यादा देगी, ठीक है। अगर मीट प्रोड्यूसिंग एनिमल है तो उसमें मीट प्रोडक्शन बढ़ जाता है, उसका बॉडी का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जानते हैं कि लाइव स्टॉक का बहुत बड़ा बिजनेस है वहां पे। ब्राजील हैज शोन रिडक्शन इन एंटीबायोटिक यूज इन ह्यूमंस एंड UK and US are investing in research to develop new diagnostic drug and vaccine, ठीक है। तो ये काम चल रहा है, ठीक है। तो क्या काम चल रहा है उसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं, इंडिया पहला कंट्री जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया, ये एग्जांपल दे सकते हैं हेल्थ रिलेटेड जब आएगा। सर्विलांस, मॉनिटरिंग, रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर, इनकरेजिंग कोलाबोरेशन, एंड इंडिया कैन लीड द वे इंट्रोड्यूसिंग द बर्डन ऑफ AMR एज इंडिया इज फर्स्ट कंट्री टू डेवलप नेशनल एक्शन प्लान, ऐसा करके कंक्लूजन आप कर सकते हैं इस तरह का सवाल अगर आता है तो, ठीक है। तो ये रहा इस आर्टिकल का मतलब। कोजी कोड वाला देखिए ये खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आसान आर्टिकल है और ये भी लगभग आसान आर्टिकल है कि कैसे कोई लीडर जैसे पुतिन है तो वो अपने फायदा के लिए, सी जिनपिंग है तो अपने फायदा के लिए पूरा देश का रिसोर्स को यूज करते हैं, देश को वॉर में ढकेल देते हैं। नेतन्याहू इसराइल का है वो देश को वॉर में ढकेल दिए। फलस्तीन का जो हमास है तो हमास का अलग अलग विंग है तो हमास अपना रेलिवेंस बनाए रखने के लिए इसराइल पर अटैक कर दिया और बदले में इसराइल जो है वो आम फलस्तीनियन को मार रहा है। तो कैसे नैरो इंटरेस्ट जो है वो ह्यूमैनिटी को पार्टाइज कर देता है, कैसे पावर हंगर जो है वो ह्यूमैनिटी को खराब कर देता है। और ये जो आपने पढ़ाई होगा कभी ना कभी कि पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, लॉर्ड एक्टन हिस्टोरियन थे 1887 बोल के गए हैं आज से लगभग 200 साल पहले और वो कितना रेलिवेंट है देखिए। ये पावर करप्ट करता है माइंड को और एब्सोल्यूट पावर मिल गया, 100% पावरफुल आप हो गए, सारा पावर आपके हाथ में, तो यू विल बी करप्ट एब्सोल्यूटली। और अभी हमने फ्रंट में नरेश गोयल का एग्जाम्पल देखा था जेट एयरवेज वाला, ये सारा डिसीजन वो अपने फैमिली में कंसंट्रेट कर दिए और करप्ट हो गए और इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग होने लगा और इसलिए आज वो ईडी के हिरासत में है। डेस्पोटिक पावर इज ऑलवेज अकम्पेंड बाय करप्शन ऑफ मोरालिटी, तो करप्शन ऑफ खाली पैसा का नहीं होता है, करप्शन ऑफ मोरालिटी होता है। देखिए आप सोचेंगे ये सब आर्टिकल क्यों पढ़ना है, इसको अगर आप पढ़ेंगे ना तो ऐसे लिखने का तरीका आपको डेवलप होगा कि ऐसे कैसे लिखा जाता है, कहानी को कैसे बताया जाता है, ठीक बात है। तो ये रहा आज का न्यूज़पेपर का डिस्कशन। अब आप लोग से मुझे ये पूछना है कि आप लोग को अगर न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को इसी तरह से डेली अंडरलाइन करके कलरफुल वे में थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के दे दिया जाए तो क्या आप इसको पढ़ेंगे? अगर पढ़ेंगे तो एक अलग से टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया जाएगा जहाँ पे डेली अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है, और आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डेली डिस्कशन करना पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी टीडियस टास्क, सच में बहुत टीडियस टास्क है। कभी आप एक न्यूज़पेपर को पूरा बोल के और आप समझा के देखिए, दिमाग को बहुत जल्दी जल्दी स्विच तो करना ही पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं है।
दिक्कत तब आती है जब आप इफिशियंटली काम करते हैं, ठीक है, इफिशियंटली आप काम कर रहे हैं, पूरा इनपुट दे रहे हैं, तो वो बहुत टीडियस होता है। अदरवाइज तो वो लाइन बाय लाइन कमेंट्री के एक एक लाइन पढ़ के खाली सुना देना है कि हाँ हाँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, तो दैट इज आसान, और वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे किया जाता है, किसी का नाम लेने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि अगर आपको हैंड होल्डिंग चाहिए भी, तो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट दो तीन आर्टिकल जो है, एक दो आर्टिकल आपको डिस्कस करके दे दिया जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे है, और उसके बाद न्यूज़पेपर में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को आपको दे दिया जाए कि लो भाई ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपको पढ़ लेना है, और आप खुद से पढ़िए। जब आप खुद से पढ़ेंगे तो दो तीन महीने में आपको इतना अच्छा न्यूज़पेपर को पढ़ना और उसको होल्ड करना आ जाएगा कि फिर आपको किसी का हेल्प लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर एक एक आर्टिकल आपको डेली डेली डिस्कस करके दिया जाए तो वो स्पून फीडिंग हो जाएगा और आपको फायदा कम नुकसान ज़्यादा करेगा, ठीक है। और ये कब पता चलेगा, जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तब, ठीक है। तो अगर आपको अपना वोकैबुलरी, आपको अपना कॉम्प्रिहेंशन, आपको अपना लिखने का स्टाइल अच्छा करना है, तो न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इट डजंट मैटर कि आप हिंदू पढ़ते हैं कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, जो कंफर्टेबल लगे, जो अच्छा लगे, उसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, टाइम देके पढ़िए। एक घंटा सवा घंटा लगता है, शुरुआत में डेढ़ दो घंटे भी लग सकते हैं, तो उसी हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो फिर लोगों के साथ शेयर कीजिए, और फीडबैक में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर टेलीग्राम पर अलग से ग्रुप बनाया जाए और ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल आपको डेली एक्सेस कर दिया जाए, तो क्या आप इसको खुद से पढ़ेंगे या नहीं। थैंक यू वेरी मच।